रहने दे, मैं मुझे नींद आ रही है। हम कहना है फरीद माधवन नहीं, बहुत ज्यादा जिसने अच्छा। कहना ही बोला मैं उसको चांस नहीं देने वाली। और जो मुझे अगर पर्सनल में भी लिखेगा ना, मैं उसको भी चांस नहीं दूंगी। शुभ स्टार्ट रीडिंग। यस मैम, मेरा लास्ट टाइम रह गया था मैम, कहाँ से करना है? स्टार्टिंग से, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो बोला उसमें तो नींद आ गई। अरे वाह, अच्छा मैंने नहीं सुना। चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर एदर लिविंग और नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल। सेल्स मे बी कंपेयर टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अप द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स। ओके, सी ना, हमको पता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग ऑलरेडी लर्न, हमको पता है कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। ओके, नाउ सेल्स, जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर का बेस क्या होता है? ब्रिक्स। वी मेक फर्स्ट वॉल, देन लाइक दैट वे वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर। सो ब्रिक इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी, तो वो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। सेल से टिश्यू बनते हैं। जैसे बहुत सारे सेल्स अगर हम लोग करें, ग्रुप ऑफ सेल्स विल मेक टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेगा तो उससे ऑर्गन बनेगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन विल मेक ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। ओके, सो जैसे कि बिल्डिंग बनाने में ब्रिक इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो वैसे ही सेल हमारा बेस है। क्लियर? सो सेल्स में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स, ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एन एवरी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल्स बॉडी हो या बर्ड्स बॉडी हो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल से स्टार्ट होगा। ओके, अगर हमको कुछ राउंड बनाना है तो उसका बेसिक क्या चीज होती है? पॉइंट। हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा सर्कल बनाते हैं और वो सब। ओके, नाउ सेल कैसे डिस्कवर हुआ था? यस शुभ, रीड। यस मैम, मैम आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम। 8.1, डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ही टुक दिस थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेज और सेल्स इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल्स। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। टूडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। स्टॉप स्टॉप। नाउ सी, रॉबर्ट हुक करके जो साइंटिस्ट था, उसने कॉर्क, ना व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज अ बार्क ऑफ ट्री, मतलब ट्री जो होता है ना, उसका जो ब्राउन पार्ट होता है। ओके, वो ब्राउन पार्ट में जो रफ सरफेस होता है ना, उसमें जैसे कि उस वो ब्राउन पार्ट में से हम जैसे पील करते हैं, जैसे पोटैटो पील करते तो कैसे ऊपर उसका पील ऑफ होता है, वैसे वो जो कॉर्क होता है, स्टेम जो होता है ना ट्री का,
उसमें से हम थोड़ा ब्राउन पार्ट निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द कॉर्क ऑफ अ ट्री. ओके, कॉर्क इज अ बार्क ऑफ अ ट्री. ही टुक देन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क और वो निकाल के उसने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको क्या दिखा कि हनीकॉम जैसा, जैसा हनीकॉम नहीं होता, उसको हाई मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. कंपार्टमेंट इन कॉर्क स्लाइस. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from other by a wall partition. ये जो है उसने देखा कॉर्क में, तो यहाँ सर्कल सर्कल है, लेकिन वो एक एक दूसरे एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में पार्टीशन है, वो एकदम बहुत छोटा होता है, तो उसने वो ऑब्जर्व किया. Coined the term cell for each box. उसने फिर क्या किया, वो जो पार्टीशन थी उसको सेल बताया. कैसे पार्टीशन, कैसे मैं आप लोग को बताती हूँ बोर्ड पे ड्रॉ करके. भाई जैसे ऐसे ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा बहुत बड़ा बार्क ऑफ ट्री को हाई मैग्निफाइड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, छोटा होगा लेकिन ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने बड़ा ड्रॉ किया. राइट, तो इसमें एक सर्कल और दूसरे सर्कल को, जैसे कि ये एक सर्कल है और ये उसका दूसरा सर्कल है, तो उसको ज्वाइन करने का ये जो पार्ट है ना उसको कवरिंग बोलते हैं. तो एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड होंगे ना सर्कल्स. ओके, इस तरह. तो इसमें जो बताया है द सेल, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ, ही आल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय अ वॉल पार्टीशन. मतलब ये जो दो सर्कल के बीच में ये जो पार्टीशन है, जैसे एक सर्कल और दूसरा सर्कल, तो इसको वॉल पार्टीशन कहा गया है. और हर एक बॉक्स को, मतलब ये हर एक बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया है. क्लियर एवरीवन? बार्क ऑफ अ ट्री को स्लाइस में कट करके मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो ऐसा हनीकॉम्ब जैसा दिखेगा. मैंने थोड़ा और जूम करके आपको बताया कि दो सर्कल के बीच में ये जो कवरिंग है उसको, उसका पार्टीशन कहते हैं. एक और दूसरे सर्कल को ये जो डिफरेंट शेड करते हैं, दैट इज पार्टिकल, अरे पार्टीशन. और हर एक ये जो सर्कल है उसको उसने क्या दिया, सेल का नाम दिया. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे रीड करूं? Yes, ma'am. Okay. Then Hook coined the term for each box. What Hook observed, boxes or cells in the cork were actually dead cells. ये सारे dead cells थे. उसने ये भी ऑब्जर्व किया. नाउ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. मतलब देखो, कोई भी चीज अगर हम इन्वेंट करते हैं तो जब हम फर्स्ट टाइम उसको इन्वेंट करते हैं तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब उसको हम इन्वेंट करके यूज करते हैं या लोगों की सजेशन हमको मिलती है कि ऐसा किया होता तो और अच्छा होता, तो जब स्टार्टिंग में मैग्नीफाइंग और माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस हुआ था तब इतना मैग्नीफाइंग नहीं था कि उसको ज्यादा जूम करके हम लोग देख सके. राइट, फिर जैसे जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते गए तो ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन वाला भी माइक्रोस्कोप आया कि छोटी से छोटी चीज भी देख सके. जैसे हमारे फोन में मेगापिक्सल बड़ा होता है, ये फोन का वो फोन का भी तो ऐसा होता है. यस मैम, मतलब उसको उसको ज्यादा माइक्रोस्कोप मिल जाती है. ओके,
वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स. मतलब रॉबर्ट हुक ने जब इन्वेंट किया तो इतना वो ज्यादा नहीं इन्वेंट कर पाया. उसने सिर्फ ये देखा एक बार कॉर्क ट्री में से कॉर्क का पार्ट निकाला, उसने उसमें उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने उसको दिखाई दिया कि ऐसे हर एक पार्टीशन को उसने सेल का नाम दिया. वो वहां तक ही इन्वेंट कर सका. फिर आफ्टर 150 ईयर्स उसका आगे और डिटेल में इन्वेंशन हुआ. टुडे वी नो a lot about cell structure and its function because of improved microscope. Improved microscope मतलब ज्यादा high megapixel हो जिससे वो एकदम zoom करके हम लोग देख सकते हैं. Having high magnification. Okay? 1 minute. देखो इसमें ये मेरे पास है पिक्चर. ये रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो है और ये बार्क ऑफ अ ट्री कैसा दिखता है वो है. सबको दिखाई दे रहा है? मैम थोड़ा जूम करो ना, मतलब नजदीक लेके जाओ ना बुक. यस मैम दिखाई दे रहा है. फर्स्ट पिक्चर है वो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है और सेकेंड पिक्चर है कि उसके माइक्रोस्कोप से ये कॉर्क ऑफ ट्री ऐसा दिखता है. देखा मैम सेकंड पिक्चर तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. हनीकॉम जैसा दिखता है ना लेकिन. हाँ फिर ये है मैम मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिखता है. हाँ वो उसको हनीकॉम. अरे वाह मेरे को पता है मैम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था. ये फिर माइक्रोस्कोप है उसके बाद इन्वेंट हुआ था वो. आपको लेबोरेटरी में जब आपकी स्कूल चालू हो जाएगी तब दिखाएंगे. हो गई चालू अभी है ना. ऐसे माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं जो ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन से माइन्यूट टाइनी से टाइनी चीज ऑब्जर्व कर सके. ओके व्योम रीड करो और वीडियो ऑन रखो. व्योम आर यू देयर? वीडियो ऑन रखो. मैम एक पेज तो पूरा पढ़ने दो. मैम पढ़ा तो सही भाई. नहीं मैम बहुत कम पढ़ा. व्योम स्टार्ट रीडिंग. यस मैम. द सेल बोथ ब्रेक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक structural unit. The buildings though built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. Okay, now see, both bricks in a building or cells of living organism, dono basic structural unit kahe jate hain. What is basic? Ke usse base banta hai. Jaise humko building banaye, maine aapko bola ke pehle hum one brick, two brick, three brick rakhke choti wall banayenge, fir badi, us tarah se. To brick ke bagair बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल. वैसे ही सेल के बगैर अवेयर बॉडी इज नॉट पॉसिबल. बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल बाय सेल. ओके सो इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. देखो ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन आता है, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं. हर एक एक दूसरे से अलग दिखते हैं लेकिन सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है. ओके माधवन आप क्या कर रहे हो? न्यूसेंस ये
क्या मैम? आपका बैकग्राउंड अच्छा ठीक रखो ना, ऐसे कार्टून जैसा क्या रखा है? नहीं तो और है मैम, बहुत होशियार है। ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। देखो हमारी बॉडी में मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स होते हैं, तो हर एक को जानना समझना इज अ कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे लिए इजी होता है उसको जानना। ओके कंटिन्यू व्योम। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. Okay, hen का जो cell है उसको single cell कहते हैं। Unaided eye मतलब हम उसको खुली आंख से देख सकते हैं, उसके लिए हमको microscope की जरूरत नहीं है। Okay, continue. Yes. Organism show variety in cell number, shape and size. How do scientists observe and study the living cells? They use microscope which magnify objects. Stains, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size, and number of cells. Let us study about some of them. Okay. Now see, organisms जो होते हैं उसके हर एक organism का number of cells, size और shape different होता है। हम ह्यूमन बीइंग है तो भी हमारे स्ट्रक्चर का शेप साइज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके दे यूज माइक्रोस्कोप टू मैग्निफाई ऑब्जेक्ट्स। स्टेन्स एंड डाइज, स्टेन्स डाइज मतलब देखो ये पिक्चर्स बताने के लिए उसमें उन्होंने जो कलर यूज किया है जैसे ये रेड ये येलो तो उसको स्टेन्स और डाइज बोलते हैं। Used in color parts of cell to study the details. हमको डिटेल समझ में आए इसीलिए वो लोग कलर यूज करते हैं। There are millions of living organisms. They are of different shapes and size. Okay? हाँ, अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके शेप एंड साइज हर एक के डिफरेंट होते हैं। जैसे डॉग होता है तो डॉग में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। ओके एक ही तरह का डॉग आता है उसकी भी शेप साइज में चेंज होता है। जैसे डॉबरमैन है तो कोई डॉबरमैन की हाइट बॉडी बहुत होती है, किसी की कम होती है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है उसमें भी शेप एंड साइज वेरी करता है। ओके देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी। VARY वेरी का मतलब क्या है प्रीता? मैम डिफर। Yes, it differs in shape and size and number of cells. Let us study about some of them. Now, number of cells. Pritha, start reading. Yes, ma'am. Number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different groups of cells perform a variety of functions. Organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cells multiplies and the number of cells increase as development proceeds. Ma'am, aage read karu. Pehle main explain karti hun. Now see. नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, छोटे 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 बहुत ही होते हैं।
tall tree or in a huge animal like elephant, the number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells. Human body has trillions of cells. Keep this in mind. जिसके साइज और शेप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हर एक ग्रुप के सेल्स का फंक्शन भी डिफरेंट होता है. नाउ वी नो दैट सेल्स आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल. वन इज यूनिसेल्युलर एंड अदर इज मल्टीसेल्युलर. व्हाट इज यूनिसेल्युलर? द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर. जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना है उसको यूनिसेल्युलर कहते हैं. उसका एग्जाम्पल है, ये पिक्चर में दिया है, फिगर 8.3, अमीबा एंड पैरामीशियम. ओके, दूसरे भी आएंगे, बैक्टीरिया, यीस्ट, यूग्लिना, ये सब यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स है. जिसमें और भले ही ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, भले ही ये एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो सारे प्रोसेस एक्सपीरियंस करते हैं जो हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, मतलब डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से कर सकते हैं. क्लियर? यहां तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया. ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर, सॉरी. एंड दीज ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग. मतलब अगर एक सेल के बने हैं तो भी ये ऑर्गेनिज्म पे वो सब फंक्शनिंग कर सकते हैं जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म करते हैं. बट द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस डेवलपमेंट प्रोसीड. जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होता है, मतलब जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी बॉडी भी इतना छोटा इन्फंट होता है. धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जैसे एक दो छः आठ महीने हो जाए तो एक टीथ आता है, एक आध साल हुआ तो तीन चार आते हैं, इस तरह से. ओके, you will be surprised to know that organisms with billions of cells begin if life in a single cell which is fertilized egg. The fertilized egg multiplies. मतलब देखो, जब भी कोई organism born होता है तो जब वो उसका birth होने के पहले जब उसका creation होना start हुआ था, तब first उसका step था कि वो cell था उसका body. फिर धीरे धीरे बॉडी सेल टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में, इस तरह से. द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड. लुक एट फिगर, लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी. बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जिसको कहा गया है यूनिसेल्यूलर. कंटिन्यू प्रीता. Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. The single-celled organisms are called unicellular. Unicellular organisms. The single-celled organisms perform all the necessary functions that multicellular organisms perform. A single-celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. Ma'am, maybe have some network issue. Ma'am? Yes. Ma'am,
मैम आगे रीड करना है या पर हाँ एक मिनट पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ यूनिसेल्यूलर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस मतलब के जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन डाइजेशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन तो सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर सकता है अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा वो फूड भी कैप्चर कर सकता है डाइजेस्ट कर सकता है रेस्पायर कर सकता है एक्सक्रीट कर सकता है ग्रो कर सकता है रिप्रोड्यूस कर सकता है माधवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीट तेरा हर बार माधवन तेरा वीडियो ऑफ ही रहता है क्या मैं बोलो एक्सक्रीट का मीनिंग क्या है वीडियो ऑन करो पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्रीट बोलो एक्सक्रीट का मीनिंग नहीं पता है एट स्टैंडर्ड में हो और शुभ बोलो एक्सक्रीट हाँ मैम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट्स का रिमूवल एक्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स पार्ट्स नहीं रिमूव होते वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है भाई पार्ट्स रिमूव हो गए तो बॉडी तो खाली हो जाएगी हाँ सॉरी मैम सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू मतलब देखो ग्रुप ऑफ ये सेल है उसका ग्रुप से टिश्यू बनेगा टिश्यू से ऑर्गन बनेगा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और सो ऑन इस तरह से हमारी बॉडी का क्रिएशन होगा मैम ऑर्गन से क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम बनेगा यस हिस्ट्री रीड एक्टिविटी 8.1 थोड़ा धीरे Observe the projections of wearing length growing out of its body. These are called pseudopodias. As you learned in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. Ma'am, shall I read the blue box? Okay, no. First time explaining. Now see. शेप्स दे जैसे हमारी बॉडी है एक बॉडी है उसमें सारे पार्ट्स है जैसे सेल है टिश्यू है ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम है वैसे ही सेल जो है वो भले ही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लेकिन उसमें भी शेप्स होते हैं उसके ऑर्गेनिल्स ऑर्गन्स होते हैं और उसके कंपोनेंट्स होते हैं ओके नाउ शेप्स ऑफ सेल हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उसके शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं देखो अभी अमीबा जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वैसे तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप एज इट इज होता है सेम होता है शेप चेंज नहीं होता लेकिन ये अमीबा जो है उसका शेप चेंज हो गया है हो जाता है उसका कोई परमानेंट चेंज नहीं शेप नहीं होता इट शेप्स गो गेट्स ऑन चेंजिंग जब भी अमीबा को फूड दिखता है वो अपने बॉडी में से फिंगर लेग प्रोजेक्शन बाहर निकालेगा और फूड को कैप्चर करने जाएगा ओके
So, in fact, amoeba has no definite shape unlike other organism. बाकी सब organism को है definite shape और amoeba को नहीं है. क्या रे पर? सॉरी सी अमीबा जो है उसका वो एक भले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जैसे. उसका शेप चेंज होता रहता है ना. उसकी बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? देखो ये जो है ना ये और ये फिंगर जैसा जो दिखता है ना जैसे ये और ये. ओके तो उसको क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया. पी साइलेंट है इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्यूडोपोडिया. सो इट इज हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. मतलब जब भी अमीबा को खाना दिखता है तो वो अपनी बॉडी में से वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेंगे और ऐसे ऐसे करके फूड को फूड वेहिकल में कैप्चर कर लेंगे. जैसे हम खाना लेके कैसे हमारे मुंह में डालते हैं तो वो भी अपनी बॉडी में से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगा और फूड को कैप्चर कर लेगा और डाइजेस्ट कर लेगा. ये स्यूड और जब उसको खाना खाने की जरूरत नहीं तो जैसे हम हमारा हैंड कैसे नीचे रख देते वैसे उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं रहेगा. ओके तो इसीलिए स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहा गया है. जो कभी कभी ही अमीबा जब उसको फूड सेंस होता है तभी बाहर निकलता है वापस अपनी बॉडी में रहता है. Still here, everyone are clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone sure? Okay, yes. Let me ask. Aditya. Yes, ma'am. How many cells are there in human body? Billions and trillions. Okay. Devansh. What is multicellular organism? Ma'am, the cell, many cell, the cells more than one is called multicellular. Okay, Shubh. Yes. So, what is cell? Cell. अभी मैंने एक्सप्लेन किया तब क्या गरबे की प्रैक्टिस कर रहा था? नहीं मैम. तो फिर अभी तो एक्सप्लेन किया है आधा घंटा ही हुआ है. मैत्री व्हाट इज सेल? मैम आई एम ऑडिबल. यस द स्मॉलेस्ट लिविंग of organization for life. Yes. Or is ki simple language cell is the basic and structural unit of an organism. Shubh. Ma'am, can you repeat? Angi, who discovered the cell and in which year? Ma'am, Robert Hooke in 1665. मैम सेल की डेफिनेशन रिपीट करो ना. यस मैम. सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल. अच्छा दूसरे माधवन व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? मैम इंग्लिश में नहीं आता बोलना. मैम द वन सेल विच इज
made from one cell is called, which is आप मैं explain करती हूँ तो ध्यान नहीं देते, पता नहीं कैसे 25 में से 25 आ गए, अभी आधे घंटे मैम कह रहा है क्या ऊपर भी आप नहीं बोल सकते मैम कहना ही मैंने बोला ना जो कहना ही बोली था मैं उसको तो अपने ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी काव्य व्हाट इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मैम द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर और मैम मेरे को एक डाउट है क्या मैम ध्यान दो क्या मैम तो कुछ आता तो है नहीं जो भी क्वेश्चन पूछूं मैं भी बोला तो भी अभी आपको नहीं आता पहले हिंदी में बोलते हो फिर कुछ भी लैंग्वेज में बोल देते हो साइंस है तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो ना काव्य ने कैसे बोला यस शुभ क्या डाउट है मैम जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको ही फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं ना और वो हाँ। और वो फिर यूनिसेल्यूलर बन जाता है धीरे धीरे हाँ आगे जाएगा मतलब मल्टीसेल्यूलर हो जाता है ओके मैम यूनिसेल्यूलर फिर बाद में मल्टीसेल्यूलर हो जाता है मैम वो ऐसा बोला नहीं दोनों मतलब वही जो यूनिसेल्यूलर है ना वो तो यूनिसेल्यूलर ही रहेगा अगर मल्टीसेल्यूलर है फिर भी वो पहले स्टार्टअप तो सिंगल सेल से होगा फिर वो सेल्स मल्टीप्लाई होने लगेंगे यस ओके यस मैम व्हाट इज स्यूडोपोडिया व्हाट मैम कैन यू रिपीट व्हाट इज स्यूडोपोडिया Yes, ma'am. Some unicellular organisms such as ammonia and ammonia protects with. कुछ भी बोल रही हो. रीता प्रीता से व्हाट इज यूरोपोडिया यस मैम मैम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सुरोपोडिया ओके मैम ये तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से आ रही है हाँ फिर भी नहीं आता सबको पूछो ना तो सब ऐसे ब्लैंक होते हैं कि अरे जी ये कौन सा बुक वर्ड में बुक में वर्ड आ गया नया जो हमने कभी देखा सुना नहीं है मैम सब ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं क्या मतलब देखो जैसे वो मूवमेंट करता है तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है मतलब वो उसके प्रोजेक्शन की साइज बढ़ती है घटती है बढ़ती है घटती है फिर उसको फूड देखता है तो वो ऐसे कैप्चर कर लेता है जब भी उसको खाना सेंस होता है तभी वो अपनी फॉल्स फीट सुडोपोडिया बाहर निकलता है जब वो खा लेता है उसको खाना नहीं मिलता तो वापस वो अपनी बॉडी में ले लेता है इसीलिए उसको फॉल्स फीट कहा गया है व्हाट इज यूरोपोडिया मैम फिंगर लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा आर कॉल्ड यूरोपोडिया व्हिच आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट फॉल्स फिंगर मैम वो ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली भी होता है ना विली हाँ ओके कंटिन्यू हेची यस मैम अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप बट व्हाइल WBC इज अ सेल अमीबा इज फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस What shape would you accept in organisms with millions of cells? Figure 8.4 ABC show different cells such as blood, muscles and nerves of human beings, the different shapes and related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical or elongated.
elongated. Some cells are long and pointed at both ends. The cell accepts a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branch-like at the nerves or the neurons. The nerve cells receive the transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Can you guess which part of the cell gives it shape? Components of cells are enclosed in membrane. Stop. पहले मुझे explain करने दो. Okay. Now see, amoeba एक फुल फ्लेज्ड एनिमल ऑर्गेनिज्म है. फुल फ्लेज मतलब वो पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है जो यूनिसेल्यूलर है. ओके, लाइक दैट वे WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं वो भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं. ये दो ही सेल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अपना बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू इज अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म और WBCs आर फाउंड इन ब्लड सेल्स. दैट इज द डिफरेंस. अ WBC सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल. आप म्यूट हो. WBC is a cell, an amoeba is a full-fledged organism. Your voice is breaking. Full-fledged organism मतलब वो किसी के अंदर नहीं है. Amoeba is a full-fledged independent cell, except in organism with millions of cells. जिस organism में millions of cells उसका shape कैसा होगा? तो हर एक cell का different shapes होता है. Blood cell का, muscle cell का, nerve cell का. यहाँ पे फिगर 8.4 में देखो तीनों सेल के शेप्स दिए हैं. जैसे कि ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके स्फेरिकल शेप्स होते हैं. स्पिंडल शेप मसल सेल्स जो होते हैं उसके स्पिंडल लंबे लंबे होते हैं. और ब्रांच सेल दैट इज नर्व्स के जो सेल्स होते हैं उसके ऐसा लंबा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ये लिविंग बींग्स है नर्व सेल. ओके, देखो तीनों फिगर. फिगर 8.4 देखो सब पहले. कैन यू सी? यस द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर डिफरेंट फंक्शन. हर एक सेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है. सेल्स आर राउंड स्पेरिकल एंड इलोंगेटेड. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स. तो वो स्पिंडल शेप है. जो मसल्स के सेल ऐसे होते हैं. नर्व्स के सेल ऐसे होते हैं जो जनरली नर्व्स के सेल मैसेज ट्रांसफर करने में काम आते हैं. हमारी बॉडी को ब्रेन को जो भी मैसेज देना हो तो वो कौन पहुंचाती है? Nerves. Clear? The nerve cells receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. यहाँ से अब हम next lecture में करेंगे. लेकिन यहाँ तक मैंने जितना करवाया, everyone are clear with it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Madhvan, चलो बोलो, what is pseudopodia? Yes, मैम, तो बहुत बोलना बहुत इजी है. मैं वो अमोइबा मैं वो अमोइबा का जब फूड बनाना होता है तो इन इंग्लिश. आर यू इन हिंदी मीडिया? मैम, व्हेन अमोइबा वांट्स अ फूड मैम एक मिनट देख लेता हूँ. अमोइबा अमोइबा वांट इस फूड मैम. दैट टाइम ही रिप्रोड्यूस मैम एक लंबा. वाव, हाँ बोल रहा हूँ.
कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी हिंदी मीडियम स्कूल है आपकी कोई, तो कौन सी स्कूल है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम का नाम क्या है स्कूल का? आईडीपी। हेचसी कमॉन से व्हाट इज स्यूडोपोडिया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। हेचरी आप इतना फास्ट बोलते हो जैसे कि पता नहीं रिमोट लेके बैठे हो कि ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर दो, कुछ समझ में ही नहीं आया, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन अमीबा आर टर्म्ड एज स्यूडोपोडिया। ओके आदित्य, व्हिच आर द टू सेल्स विच चेंज इट्स शेप? अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल। ओके Maitri, what is the shape of red blood cells? Spindle. Red blood cells का spindle है? Spherical, sorry ma'am. Devansh, what is the shape of nerve cell? Devansh, I don't know. सो गया था चश्मे निकाल के। Venisha, yes ma'am. What is the shape? Ma'am, your voice is breaking. Can you tell again? What is the shape of nerve cell? काम की बात होती है तब पता नहीं मेरा voice क्यों break होने लगता है। Long branch. Okay. अभी ये बाकी का चैप्टर जिसने रीड नहीं किया होगा उसको मैं एक्सप्लेनेशन के वक्त ग्रुप में नहीं रहने दूंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैप्टर अच्छे से रीड करके रखना। ओके और सेवेंथ लेसन रिकॉल करके रखना, उसकी मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ ट्यूजडे। लेकिन मैं लेने वाली हूँ। ओके ओके मैम। मैम हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। अभिमन्यु यू आर होस्ट। मैम हर्षवर्धन होस्ट। मैम हर्षवर्धन होस्ट। मेरे को नहीं आता। मैम ही लेफ्ट हो गए। अरे थैंक यू माधवन। वेलकम वेलकम।
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. सबको एक साथ good afternoon. Okay. कल की exam का information मिल गया सबको. 5 and 6 chapter I'm going to take. Yes, ma'am. Yes, ma'am. HD, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थी ना बेटा? यस मैम. मैम तो फिर से सबको एक्सप्लेन करने का? नहीं, HD ने वो पार्ट समझ लिया था मैम, क्योंकि लास्ट टाइम पूरा पीरियड एक्सप्लेन करने में ही गया. हेलो मैम. यस हर्षवर्धन मैम, कल कितने बजे एग्जाम होगी बेटा? वो आपको मैसेज में दिया होगा सब. ओके मैम. रेगुलेशन कौन सा? लेसन नंबर 5 and 6. ओके. नहीं मैम, वो नहीं पूछ रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है टेक्स्ट बुक में लेसन कौन सा निकालना है. लेसन नंबर 9. चलो देवांश, वेदांत, व्योम. Yes, ma'am. Prince Bread of the Revolt and its leaders, ma'am. 56 page number. Yes, beta. हाँ बोलो देवांश. ma'am, हमारे exam की exam का portion आ गया. exam है कब देवांश? मैम सितंबर एंड में और मेन एग्जाम अक्टूबर में. 80 मार्क्स वाली एग्जाम मैम अभी जो होगी वो 20 मार्क्स की होगी. मैं समझ गई, वो पीरियोडिक एग्जाम है और वो वाली टॉम बर्ड होगी. यूनिट टेस्ट है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी है और जो टॉम होगी वो अक्टूबर में होगी. ओके. 50 मार्क्स की. तो अक्टूबर तक हमारा कोर्स तो अभी से खत्म हो गया देवांश. वो तो हमारा भी खत्म हो गया मैम. तो आपको क्या दूसरा सेमेस्टर 2 शुरू करवा देंगे? हाँ मैम, लगता है ऐसा ही है. अरे बाप रे, हम तो लेसन 6 पर स्टार्टिंग में 2 पेज. अभिमन्यु बच्चा, मैं बता रही हूँ, मैंने पढ़ा आपका मैसेज. इट इज वन, इट इज अ कार्बन ओनली कॉमन सॉल्ट. जी मैम, हमारी भी एग्जाम है. अभिमन्यु, ये पाउडर टाइप आता है नेचुरली जो अकर होता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रो होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसको सॉल्ट पैटर बोलते हैं. सॉइल में पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है. चलो हाँ, किन किन बच्चों की एग्जाम्स है
मैम हमारी ट्यूसडे को है. थैंक यू जी. हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स मैम. किसकी ट्यूसडे को एग्जाम है? मैम मेरी प्रीता. यानी क्लास टेस्ट जैसा है? मैम 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव टेस्ट गूगल गूगल. और चैप्टर्स कौन से हैं? मैम 3 एंड 4 वो हमारे हो गए. 3 एंड 4. चलो अभी हम लोग 9th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. जयराम मेरे भी है उसका पोर्शन 5 और 8 है. किसका किसका बेटा? मैम मेरी भी है नेक्स्ट वीक. स्कूलर ने कहा था यूटी 5 और 8 है. 5 तो हो जाएगा कल. मैंने लिया 5 और 8. मैंने 5 और 6 लिया. चलो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 56. ये जो मेरठ से दिल्ली जो गया था बटालियन, वैसे अलग अलग रीजन में ये स्प्रेड हुआ उसके बारे में. आंगी वीडियो ऑन करो बेटा. एक एक करके मैं समझाऊंगी. एक मैं समझाऊंगी उसके बाद किसी को वापस उसको रिपीट करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना. ठीक है. ओके मैम. ओके. द फर्स्ट वन इज स्प्रेड द रिवॉल्ट. ये जो रिवॉल्ट हर जगह पे जहाँ पे स्प्रेड हुआ था और इस रिवॉल्ट के उस पर्टिकुलर रीजन के कौन लीडर्स थे उसकी इंफॉर्मेशन हमें दिया. सबसे पहले है दिल्ली और बहादुर शाह जफर. मैंने आपको आगे समझाया था कि जब ये 19 बटालियन ऑफ बराकपुर को डिसबैंड कर देने में आया, उनको जेल में डाल देने में आया, फिर दूसरे जो इंडियन आर्मीज थे वो वहां पे गए और जेल में से उन सभी सोल्जर्स को इम्प्रिजेंट जो थे उनको बाहर निकाला और वहां से वो लोग मेरठ से दिल्ली गए. पूरी रात सुबह वो लोग गए. सुबह वो लोग दिल्ली गए रेड फोर्ट के वहां पे बाहर खड़े रह गए और बहादुर शाह जफर को कन्विंस करने के लिए वो गए थे कि प्लीज आप हमारे लीडर बनो और आप हमें हेल्प करो इस रिवॉल्ट में. द सोल्जर रीच दिल्ली फ्रॉम मेरठ इन द मॉर्निंग ऑन 11th मे. दे कुड कैप्चर दिल्ली विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर प्रेजेंट. अब वहां पे कुछ इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनको हेल्प किया था पर वो 80 ईयर ओल्ड मुगल एम्परर को कन्विंस कर रहे थे कि प्लीज आप हमारे रिवॉल्ट के लीडर बनो. राइट. दिस न्यूज इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द रिवॉल्ट. यानी कि ये एक नई शुरुआत हुई थी इन द रिवॉल्ट और काफी ऐसे अलग अलग रीजन में जैसे जैसे ये न्यूज स्प्रेड हुई हर रीजन में ये रिवॉल्ट शुरू हुआ. ये दिल्ली रीजन की है बात. वैसे हर एक रीजन में अपने रीजन को सेव करने के लिए रिवॉल्ट हुआ. क्लियर हेचरी? यस मैम. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? श्योर मैम. Ma'am, in this, you have explained us that the 59th battalion, which was in the jail, that the Indian soldiers are accepted. And they freed. Ma'am, shall I speak in Hindi? Yes, sure. Ma'am, उन्होंने हम लोगों को आजाद करा दिया और वो सब मिलके दिल्ली पहुंचे. रात उन लोगों ने पूरी रात ट्रैवल किया और वो दिल्ली पहुंचे और वो रेड फोर्ट के बाहर आके खड़े हो गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्परर थे जो दिल्ली में रूल कर रहे थे उनको उन लोगों ने कन्विंस किया कि आप हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाओ और वो बहादुर शाह जफर वो मान गए और उससे पूरी इंडियन आर्मी में एक नई मींस उन लोगों को एक होप मिल गई कि और होगा. यहाँ पे सिर्फ एक गलती की ही वाज नॉट मुगल एम्परर एट दैट टाइम. बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के एम्परर थे. सारा पावर तो किसने ले लिया था? ब्रिटिशर ने ऑलरेडी ले लिया था. दिल्ली ऑलरेडी ब्रिटिशर के अंदर था. बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट में बिठा दिया, उसको पेंशन दे रहे थे, उसको बोला था कि आप यहीं पे रहो शांति से. इसके बाद पता क्या हुआ था? ये रिवॉल्ट जब 2 साल के अंदर ब्रिटिशर ने ये रिवॉल्ट को स्टॉप किया, बहादुर शाह जफर को हरा दिया,
दिल्ली को वापस कैप्चर कर दिया, बहादुर शाह जफर उसकी वाइफ को रंगून जेल में भेज दिया और वहां पे वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो और जब उन्हें रेड फोर्ट में रखा गया ना, तभी उनको बोल दिया था कि अब इसके बाद कोई भी दूसरा मुगल एम्परर नहीं होगा। तो औरंगजेब वॉज लास्ट मुगल एम्परर। बहादुर शाह सफर वॉज द सन ऑफ द औरंगजेब, बट ही वॉज नॉट अ पावरफुल रूलर। सारा पावर ब्रिटिशर ने ले लिया था। ओके, सो दे कन्विंस हिम, इसीलिए ये उनको लीडर के तौर पे कन्विंस करना चाहते हैं। हु एल्स वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस? यस व्योम, आप रिवॉल्ट का मीनिंग फिर से बता सकते हो? कौन बताएगा व्योम को रिवॉल्ट का मीनिंग? गलत के सामने वापस आवाज उठाना, गलत चीजों के सामने आवाज उठाना। यस, अभी आंगी को ये पैराग्राफ वापस समझना है, दिल्ली एंड बहादुर शाह सफर। कौन एक्सप्लेन करेगा? यस माधवन। मैम यस माधवन बोल। मैम ये जो मतलब सोल्जर ये रिवॉल्ट से परेशान हो गए, ये इंडिया के लोग रिवॉल्ट से परेशान हो गए थे? नहीं मतलब ये ब्रिटिशर के रूल से, मतलब ये ब्रिटिशर। बेटा एक मिनट, मैंने देखो ये बोला, तू बाहर से तेरे जेब में से निकाल निकाल के इन्फॉर्मेशन दे मुझे, टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ के समझाना है। मैम सोल्जर पहुंचे दिल्ली मॉर्निंग में पहुंचे 11 मई को, वो मैम बहादुर शाह जफर के पास वो 80 इयर्स ओल्ड थे, वो राजा थे, तो फिर नाम के राजा, फिर मैम उन लोगों ने पहुंचे और वो जो सोल्जर्स वो सब थे उन्होंने कहा कि फिर आप हमारी हेल्प करो ये ब्रिटिशर्स साथ रिवॉल्ट या आवाज उठाने के लिए, तो फिर वो जो और आप हमारे साथ जॉइंट हो जाओ। प्रीता वुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? यस मैम। मैम कैन यू हियर मी? यस यस मैम। मैम आफ्टर द 19th बटालियन द सोल्जर्स इन ऑफ बैरकपुर द सोल्जर्स रीच्ड दिल्ली फ्रॉम मेरठ, दैट इज नाउ कॉल्ड मेरठ, इन द मॉर्निंग ऑन 11th May, एंड देन दे and ma'am they then they went to Bahadur Shah Zafar and told convince him, convince karne aap unhone kya convince kiya ki please aap hamare army ke leader bano। Yes. Okay yes ma'am। Then Bahadur Shah Zafar accepted their and then leadership of this revolt, and this news had a hope to many soldiers, और ऐसे अलग अलग region में revolts शुरू हुए। आंगी समझ में आया? Yes ma'am। तो करो explain अगर समझ में आया तो। Yes ma'am। ma'am soldiers and Delhi पहुंचे थे, means Delhi, Delhi से Meerut, मीन्स अभी मीरठ बोलते, पहले मीरठ बोलते थे। तभी सुबह सुबह 11 मई को कैप्चर कर लिया था दिल्ली को, उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था इंडियन सोल्जर्स के साथ में, एंड उन्होंने कन्विंस किया था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो 80 इयर्स ओल्ड के थे, और वो लीडरशिप को लीडरशिप रिवॉल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस किया था। और उसके बाद न्यूज इन्फ्लुएंस हुई थी कि न्यू लाइफ इन द रिवॉल्ट एंड मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया जॉइंट द रिवॉल्ट। ओके चलो, क्लियर एवरीवन? अब वैसा ही दूसरी रीजन के बारे में हमें बताया, वो कानपुर में है और उसके लीडर थे नाना साहिब। ठीक है, रीजन है कानपुर, लीडर है नाना साहब। कानपुर ऑल्सो ब्रोक इन टू रिवॉल्ट, और वो कब रिवॉल्ट हुआ? 4 June 1857। नाना साहेब पेशवा इस रिवॉल्ट के लीडर बने। क्लियर
आई एम रिपीटिंग अगेन, कानपुर में भी रिवॉल्ट हुआ, कब हुआ? 4th जून 1857। कानपुर में जो रिवॉल्ट हुआ उसके लीडर बने नाना साहिब पेशवा। हाउएवर दे हैड टू सरेंडर टू ब्रिटिशर्स फॉलोइंग एन एक्यूट शॉर्टेज। अब उन्हें सरेंडर कर देना पड़ा बिकॉज उनके पास खाने की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, तो उन अपनी आर्मी के साथ लोगों के साथ कहीं और रहना पड़ता है, फूड इज ऑल्सो नेसेसरी। सो 22 फूड एंड वाटर ड्यू टू 22 डे लॉन्ग सेज। यहाँ पे वर्ड दिया है आपको, उस वर्ड का मीनिंग लिखना है तो लिख दो। जो उनकी सब सप्लाईज मैम वो कट कर देते हैं उसे बोलते हैं सेज। हाँ। खाने पीने की उसके, फिर मैम जो गन्स वगैरह है उसकी सब भी जो सप्लाईज होती है। ठीक है, इसको एग्जैक्टली आप कैसे बताओगे कि जब भी मिलिट्री में कुछ काम चलता है, मिलिट्री ऑपरेशन होता है, तो आपके सामने वाला जो एनिमी होता है, ठीक है, वो आपके टाउन को या बिल्डिंग को ब्लॉक कर देता है या आपके सप्लाईज को सीज कर देता है, कब्जा ले लेता है। ठीक है, क्यों करता है ये? इसलिए उसकी स्ट्रेटेजी होती है कि फाइनली हार के आप सरेंडर कर दोगे। क्या हो गया आंगी, तेरे छोटे भाई को भी पढ़ना है? हाँ मैम, वो मेरे बाजू में बैठता रहता है। उसको बहुत देर है एसएस पढ़ने की। कौन से स्टैंडर्ड में है वो? मैम वो थर्ड में। अरे दिल्ली बहुत दूर है उसके लिए। ओके, काव्या ने ऐसे सही बोला है। सेज मतलब सी ब्रिटिशर, उनको सरेंडर करना पड़ा बिकॉज ऑफ 22 लॉन्ग सेज। 22 दिन तक उनकी सारे बिल्डिंग्स जो भी चीजें थी उसको कोलैप्स, यानी उसको सीज कर दिया था, कैप्चर कर दिया। 22 डेज तक उनके पास शॉर्टेज हो गई थी, जिसके बाद फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्लियर? Now, who will like to explain this? Abhimanyu, would you? Hello. Yeah. Ma'am, after one, I can... Ma'am, Kavya. Ma'am, can I, Rudraksh? Ma'am, can I, Vyom? Ma'am, Rudraksh. Kavya, karo. Yes, ma'am. Ma'am, ab ye story Kanpur and Nana Sahib ki hai. Aur ma'am, ye jo revolt tha, wo 4th June 1857 Kanpur ka hai. और मैम उसके लीडर नाना साहेब पेशवा थे और उनको कुछ कारणवश उनको सरेंडर करना पड़ा था क्योंकि ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। और मैम उनको 22 दिन तक वो उनको शॉर्टेज ऑफ फूड और उनकी सप्लाईज और उनके जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनके जो ऑपरेशंस थे वो उनको ब्रिटिशर्स ने सीज कर दिया था और जो सप्लाईज थी वो कट कर दी थी, इसलिए उनको सरेंडर करना पड़ा था। यस, हेचरी, द मीनिंग ऑफ द सीज वर्ड इज के जो भी नाना, जैसे फॉर एग्जांपल नाना साहब पेशवा के जो बिल्डिंग होती है या जो भी जगह होती है जहाँ पे उन्होंने खाना पीना सब रखा है, तो आपकी जो एनिमी फोर्स है उस पर कब्जा कर देती है, आपको देती नहीं है वो सप्लाई, जिसकी वजह से आप हार के सरेंडर कर देते हो। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ वॉर। मैम तो बट हम उस पे अटैक नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, सामने उतना आपके पास होना चाहिए ना आर्मी, तभी नहीं किया होगा ना, तभी सरेंडर किया होगा ना। ओके चलो, अभिमन्यु नाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? यस मैम। मैम कानपुर नाना साहेब पेशवा रूल करते थे। ऑन 4th जून 1857 कानपुर ब्रोक इनटू रिवॉल्ट। ब्रिटिशर्स ने सीज कर दिया था 22 दिन
तक उनका शॉर्टेज ऑफ फूड और वाटर से गुजरना पड़ा और फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया। ओके रुद्राक्ष चलो आप करो। यस मैम। मैम तो आप 14 जून 1857 को जब कानपुर में नाना साहेब थे उन्होंने ब्रिटिश के साथ फाइट की थी तो तब ब्रिटिश ने उनके जो सारे फूड सप्लाई होते थे वो ब्लॉक कर दिए और जो नाना साहेब की आर्मी थी उन्होंने 22 डेज के बाद सरेंडर कर दिए। यस राइट वेरी गुड शॉर्ट एंड। चलो अब वैसा थर्ड रीजन हम पढ़ेंगे बिहार। उसके लीडर थे कुंवर सिंह। ओके थर्ड इज बिहार पटना एंड जगदीशपुर। ये बिहार में ये दो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा रिवॉल्व हुआ था पटना एंड जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो 70-year-old लैंडलॉर्ड थे, देखो वो लैंडलॉर्ड थे और वो रिवॉल्ट के लीडर थे ठीक है। बहुत ही ब्रेवली उन्होंने ब्रिटिशर के सामने लड़ाई की थी। एक बार बैटल में ब्रिटिशर के सामने उनके हाथ में गोली लग गई। ये गोली लगने की वजह से पॉइजन आगे उनके बॉडी में स्प्रेड ना हो तो उन्होंने क्या किया अपने हाथ को काट दिया, चॉप्ड हिज हैंड ऑफ फ्रॉम द एल्बो। यहाँ एल्बो से ही उनका हाथ उन्होंने क्या किया काट दिया ठीक है और रिवर गंगा में उसको अर्पण कर दिया, ऑफर कर दिया। ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। ये इंसिडेंट के बाद ये फाइट चल रही थी तो जगदीशपुर तो उन्होंने बचा दिया पर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने बिहार में रिवॉल्ट हैंडल किया था। ये रिवॉल्ट करते समय उनके हाथ में गोली लगी थी, स्प्रेड ना हो पॉइजन इसकी वजह से उन्होंने उनका हैंड एल्बो से कट करके रिवर गंगा में ऑफर कर दिया था और उन्होंने जगदीशपुर को फ्री कर दिया था बिफोर ही डाई। क्लियर? यस मैम। यस मैम। वैनिशा चलो ट्राई करो। मैम पटना में जगदीशपुर में पटना में जगदीशपुर नहीं, बिहार में दो जगह है पटना और जगदीशपुर। ओके ओके मैम वन मिनट। हाँ नो प्रॉब्लम, टेक योर ओन टाइम। वैनिशा सिर्फ वैनिशा को नहीं बाकी सबको भी मैं किसी को भी रैंडमली पूछ सकती हूँ। आदित्य बाकी है, झील बाकी है, मैत्री बाकी है, प्रीता बाकी है, व्योम बाकी है तो एक बार रीड कर लो। वेदांत बाकी है। मैं करूँ? हाँ चलो व्योम करो, उसके बाद वैनिशा बोलेगी। पटना बिहार में दो जगह थे पटना और जगदीशपुर, वो मेन सेंटर थे रिवॉल्ट रिवॉल्ट के बिहार में। कुंवर सिंह वो 70-year लैंडलॉर्ड थे और लीडर थे ये रिवॉल्ट के। वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया ब्रिटिश के सामने और जब फाइट चल रही थी तब वो उनके हाथ पे एक गोली लग गई तो उसका जो पॉइजन है उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने उनका हाथ काट दिया एल्बो से और उन्होंने गंगा में उसको अर्पण कर दिया। जगदीशपुर को उन्होंने फ्री करवाया, उन्होंने जगदीशपुर का बचाया और फिर वो मर गए। अच्छा फिर वो मर गए बिफोर ही डाइड ही फ्रीड जगदीशपुर। चलो ओके रुद्राक्ष योर डाउट। यस मैम। मैम अगर गोली लगती है तो पॉइजन कैसे स्प्रेड होता है? अच्छा गोली लगती है पॉइजन कैसे स्प्रेड होता है?
कुछ भी लगता है हमें, अगर वो लगी हुई चीज को मैं खुला रख दूं, गोली अंदर है बच्चा, गोली अंदर है और वो वुंड ओपन है, तो सेप्टिक होता है कि नहीं होता है? तुम्हें कुछ भी लग जाती है तो टेटनस का इंजेक्शन लेने क्यों जाते हो, धनुर जिसको हम बोलते हैं, क्यों लेते हो? सेप्टिक ना हो, सेप्टिक यानी पॉइजन। समझ में आया बच्चा? मैम जब लोहा लगता है तब हम टेटनस का इंजेक्शन लेने जाते हैं। सिर्फ नहीं, कांच लगता है, आयरन लगता है, ऐसा नहीं है। आपकी कोई सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, जैसे मैंने 2 वीक छुट्टी नहीं ली थी, मेरी एक छोटी सी ऑपरेशन हुआ था, ठीक है? तो ऑपरेशन करने के पहले वो लोग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट्स के वजह से मुझे कहीं पे भी सेप्टिक ना हो तो उसके पहले वो मुझे टेटनस का इंजेक्शन देते। मैम मेरे को भी लोहा लगा था लेकिन मैंने नहीं लिया। अरे आयन मैन है तू, देखो कहा जरूरत है, लोहा लोहे को काटे वैसे बात है तेरे। हाँ अरे वो तो ऐसे नहीं मैम, जो आयन मैन नहीं हो सकता क्योंकि मैम आयन मैन के पास बहुत बुद्धि थी, ऐसे उसको बहुत स्मार्ट था। हाँ तो रुद्राक्ष दिस इज अ रीजन कि आपको कहीं पे भी कभी भी लग जाती है तो सेप्टिक हो जाता है, सेप्टिक मीन्स पॉइजन ही बच्चा। Okay, और okay. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लगने से कई बार सेप्टिक होती है। मेरे फैमिली में एक आंटी है, शी इज वेरी एजेड, 82 अबाउट, और उन्हें सिर्फ पैर में कुछ काटा होगा और उन्होंने बहुत ही ईचिंग हुई, उन्होंने काफी दिनों तक ईचिंग किया, ठीक है? तो उनके नाखून की वजह से उनके पैर के अंदर सेप्टिक हो गया और वो पूरा उन्हें ऑपरेशन करके काटना पड़ा और हर बार वो सेप्टिक उनको जा के वो पूरा निकालना पड़ा। और अगर उन्हें डायबिटीज होता तो उनका पैर उन्हें काटना पड़ता और उसके बाद उस जगह पे प्लास्टिक सर्जरी किया बिकॉज पूरा होल कर दिया था, वो सेप्टिक उनके बोन तक पहुंच गया था। और वो सेप्टिक कैसे स्प्रेड हुआ? उनके सिर्फ नाखून से। समझ में आया? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैम मैं अभी नाखून काटता हूँ। अभी वो नाखून जाके काटेगा कि वो एक नाखून से सेप्टिक होता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ सही बोला। क्लियर? मैम एक फैक्ट है कि हमारे नेल्स भी पॉइजनस होते हैं। नेल्स भी क्यों पॉइजनस होते हैं? सिर्फ उसको खुजाने की वजह से नहीं, वो नेल्स काटने को इसलिए बोलते कि नेल में माइन्यूट ऐसे जर्म्स होते हैं, हमें इसलिए काटना होता है। क्लियर? ओके मैम। हाँ मैनिशा, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली। यस। आज तेरा बर्ड बहुत शांत है। नहीं मैम, मैंने डोर क्लोज कर दिया है। अच्छा। बिहार में पटना और जगदीशपुर में रिवॉल्ट हुआ था। कुनवरा सिंह 17 ईयर ओल्ड लैंडलॉर्ड लीडर था रिवॉल्ट का। ही फॉट अ ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब वॉर चल रहा था तब उसको गोली लग गई थी और पॉइजन ना हो सब इसलिए उसने हैंग चॉप कर दिया था एल्बो से और उसको रिवर गंगा में ऑफर कर दिया था। एंड ही फ्रीड जगदीशपुर एंड फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड। ओके डन। अब यहाँ पे तीन मैंने आपको समझाया। पहला रीजन था दिल्ली, उसके लीडर थे बहादुर शाह जफर। दूसरा रीजन था कानपुर, उसके लीडर थे नाना साहेब। थर्ड रीजन था बिहार, उसके लीडर थे कुंवर सिंह। यहां तक किसी को कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कुछ भी कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नाउ वी विल कम टू झांसी एंड अ ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। डू एनीवन नीड मी टू एक्सप्लेन दिस या यू विल डायरेक्टली एक्सप्लेन मी? वी विल एक्सप्लेन यू। Okay, but I don't want the same faces and the same voice. Can I? Yes, Pritha, Maitri, Aditya, Vedan.
प्रीता चलो। यस मैम। मैम रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी एंड शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर। शी द ब्रिटिशर्स हैड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसी। Yes, ma'am. Annexation policy. So they did not accept the her adopted son to get the kingdom. This was the main reason of her to join the revolt. She wanted to join the revolt, and she was very skillful, and she had also prepared a woman army to fight, and then they fought very bravely against the British, and according to the British officials, Queen Lakshmibai was the greatest woman leader in the revolt of 1850. Okay, right. और वो जो उनकी आर्मी थी ना जो विमेन्स की, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? द रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, इसके नाम से ही हमने हमारी इंडियन आर्मी में भी रखा है स्पेसिफिकली फॉर यूनिट ऑफ। सुभाष चंद्र बोस ने भी बनाई थी ना, yes, तो yes. रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई थी। यस यस, क्या नाम? रानी झांसी रेजिमेंट। चलो आदित्य करोगे तुम एक्सप्लेन वापस? यस मैम। द क्वीन ऑफ झांसी वेयर लक्ष्मीबाई वाज द ग्रेट वॉरियर मैम ड्यू टू एनेक्सेशन पॉलिसी। व्हाट हैपेंड माधवन? मैम हाँ मैं पूछ रहा था कि फिर ये जो रानी लक्ष्मीबाई है मैम, वो तो उन लोगों ने तो पहले ही ब्रिटिश ने मार नहीं दिया था उनको, वो मार नहीं, वो अपने आप मारे थे, खुद नहीं मर गए थे, तो फिर वो इस रिवोल्ट में कैसे जॉइंट हुए? अरे उन्होंने रिवोल्ट किया ना, उस रिवोल्ट के बाद में वो अपने आप, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी मैं हार जाओगे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को वो अग्नि समाधि दे दिया। अपनी ये रीजन वाइज समझा रही हूँ माधवन, ये रीजन वाइज जो हर एक रीजन में रिवॉल्ट शुरू हुआ था, समझ में आया माधवन? हाँ 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 मैम पता चल गया। ये हाई कौन है? हाँ ये हाई कौन है? पता नहीं, देवांश। देवांश चलो चेंज करो। हाँ चलो आदित्य शुरू करो। Due to annexation policy, Britishers didn't accept her adopted son. This is a biggest reason for her to joining the revolt. She was one of the most skillful leader in this revolt. She made she made woman army against the British to fight. They fought bravely against the British accord to British officials. She was one of the greatest women leader in the revolt. Okay, chalo Maitri. Yes ma'am. In Jhansi was the victim of annexation policy, so the British do not accept her adopted son for the throne. She also made the woman army against the British, and she was very skillful. According to the British officials, Queen Lakshmibai was one of the greatest women leader in the revolt of 1857.
ओके गुड। चलो अब लास्ट है तात्या तोपे, इनके बारे में है, और फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट आ जाएगा हमारे गुजरात के बारे में। हर्षवर्धन क्या हुआ? हेलो मैम। हाँ बोलो मैम। ये क्या कहते हैं मैम, क्यों ऑफ जाते हैं ना लक्ष्मीबाई, तो मैम इनका जो मैम पत्थर पे जो इनका घोड़ा फंस गया था तब वो मरा था, मीन्स तब वो मरी थी कि मैम युद्ध में मरी थी, क्योंकि मैम जो लक्ष्मीबाई की जो मैम पिक्चर है ना, पिक्चर नहीं मैम हमें पहले पोयम आई थी। अरे हिंदी में पोयम होगी, बड़ी मर्दानी सी लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, हिंदी में पोयम है। मणिकर्णिका की बात कर रहा है, वो मूवी की बात कर रहा है सुनी थी, पर रुद्राक्ष पोयम की बात कर रहे हैं। हिंदी में 2 पेज जितनी एक पोयम है, बड़ी मर्दानी सी लड़ी थी मैम 6 में, बड़ी लड़ी मस्तानी बोलते हाँ, मस्तानी मस्तानी नहीं मर्दानी है, ओए बड़ी मर्दानी सी लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, बड़ी बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली मस्तानी जो बाजीराव में आता था, मस्तानी बाजीराव में आती थी वो मुझे याद है, मेरी बेटी को ये पूरी 3-4 पेज की पोयम है कुछ, वो उसको बोलना था पूरा पूरा पोयम हिंदी रेसिटेशन में, उसको ये कंपलसरी था बोलने के लिए। क्या वो हो गया अभी हर्षवर्धन? ये मुझे पता नहीं वो घोड़े के साथ मरी घोड़े के बाद मरी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने मूवी नहीं देखा। घोड़े के बिना मैम, वो मैम क्योंकि है ना आधे उसने कुर्बानी दे दी थी मैम, उसके पास वो के पास कुछ नहीं था भाई। अब तू ये मत कहना कि उसके पास कुछ नहीं था का, और उसके साथ मरी थी वो मैम। वो जो फिर उसने सन अडॉप्ट किया था उसका का क्या हुआ, उसको भी जला दिया? अरे पर हमको क्या है भाई उसके, नहीं नहीं उसी का तो तू पूर्ण जन्म है मैम, और हमें क्या पता हम उस टाइम में थे कि वो घोड़े के साथ मरे थे कि घोड़े के बिना, पिक्चर में जो दिखाते हैं वो दिखते हैं। नहीं माधवन घोड़ा था, हर्षवर्धन ने डाउट पूछा फिर भी कैसा डाउट पूछा। अरे नहीं मैम मैम थोड़ा माधवन को सब कुछ याद आएगा की तरह, उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब तो मेरे में क्यूरियोसिटी आई गई, अब तो मुझे जानना ही है कैसे मरे। अभी रुको मैम, मैंने बोला ना उसने उनको फिर कोरस में क्यों गा रहे हो सब मैम, कोरस में क्यों गा रहे हो, वो कैसे मरी उसकी पूरी क्लिप होगी। उसको मारा गया था? नहीं मैम वो खुद मरी थी मैम, एक मिनट रुकना, देवांश कैसे मरी खुद से, नहीं मर सकती, जल के मर गई, झूठा है। ब्रिटिशर अटैक्ड बैक, लक्ष्मीबाई वाज वुंडेड, वो काफी घायल हो गई थी। Since she did not want her body to capture, वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर उसके बॉडी को कैप्चर करे, इसलिए उसने अपने आप को जला दिया on June 18, 1858। ये जब आ रहा था तब का बोल रहा था, तो अभी वो घोड़ा तो कहीं पे नहीं आया मैम, घोड़ा है ही नहीं, उसको क्यों मार देने का मैम। मैम वो 6 में पोयम थी ना, उसमें आया था कि वो घोड़ा कूद नहीं पाया तो मर गई मैम। मैम हाँ, हर्षवर्धन है ना, पृथ्वीराज चौहान और ये दोनों को मिक्स कर रहा है मैम। हाँ बोलो मैम, हर्षवर्धन को घोड़े की याद आ गई मैम, अरे 100 साल से भी ज्यादा तक जिंदा रह सकते हैं उनका सन, बोल रुको रुको मैम, उसकी एक मेड थी ना उसको दे दिया था
उसका नाम था दामोदर राव, भी मर गया है। हाउएवर ही वाज ब्रॉट टू इंदौर, उसको इंदौर लाया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसे मारा नहीं गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था, उसको इंदौर भेज दिया गया था। ठीक है, ओके। हमें कोई क्या पता किसका नाम कोई जॉइंट हुआ है कोई लास्ट में, कोई की तो देखो तकलीफ हो रही है, कोई ज्वाइन हुआ है तो। मैं हूँ, मेरी बहन का नाम आ गया पुर पटेल। इट्स ओके फाइन, तू बार बार ना अपना ये चेंज मत किया कर देवांश। चलो अभी माधवन और तेरा डाउट है कोई? मैंने बता दिया ना कि उसके बेटे को भी क्या हुआ, और कुछ पूछना है? मैं अभी वो पूछेगा उसके आदमी को क्या हुआ। क्या रुद्राक्ष? मैम अभी वो पूछेगा कि उसकी आर्मी को क्या हुआ। अब वो पूछेगा ना तो उसको मैं बोलूंगी अब तू पिक्चर ही देख ले। जब रानी लक्ष्मी बाई मर गए तब पिक्चर खत्म हो गया, इसलिए पिक्चर में भी ये सब नहीं दिखाया। अच्छा चलो, अब है द ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या टोपे। वेदांत तुम्हें ही एक्सप्लेन करना है, तुम बाकी हो। नाना साहेब पेशवा, नाना साहेब पेशवा उनके जो आर्मी के कमांडर थे कानपुर में, तात्या टोपे नाम था, वो ट्रस्टेड कमांडर हो गए थे। ही स्किलफुली फॉट टू फ्री कानपुर, प्लेइंग द रोल ऑफ कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। फॉर नेक्स्ट टू इयर्स अक्रॉस द कंट्री, अब देखो ये जो तात्या टोपे सिर्फ कानपुर में नहीं पर उन्होंने अक्रॉस द कंट्री में रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी बैटल्स उन्होंने फाइट की थी। सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया रिवॉल्ट, अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना वो ये तात्या टोपे में नहीं ऐड करना है, यहाँ पे हमें बताया है कि इसके अलावा कौन कौन सी अलग जगह से रिवॉल्ट में ज्वाइंट हुए हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़, गोरखपुर, अजमेर, निजामाबाद, आबू, राजपूता, ग्वालियर, सेंट्रल इंडिया में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नरगढ़, दारवाड़ एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट हुआ था। यस रुद्राक्ष कुछ डाउट है? यस मैम बोलो। मैम तो ये जो आपने सेकंड पैराग्राफ बोला है वो तात्या टोपे में है ही नहीं, मतलब वो उसको अलग ही कर देना है। हाँ उसको अलग रखना है। चलो वेदांत पहले तुम्हें सिर्फ तात्या टोपे का एक्सप्लेन करना है, वो कानपुर में नाना साहेब पेशवा के कमांडर थे। वेदांत तुम बोल रहे हो? वेदांत तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। मैम वो बोल रहा है। मैम उसने सेटिंग में से ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया। योम जब तू कहेगा तब वो भी बोलेगा, अब बाद में हम देखते हैं कि तेरा क्या होता है। वेदांत यू आर नॉट ऑडिबल। मैम उसको हमारी आवाज नहीं जाएगी। मैम उसको हमारी आवाज नहीं जाएगी। वो चिपक गया। मैम चैट तो जा सकती है। आप जब भी बोलते हो ना उसको तो चिपक ही जाता है। हमें लगता है जैसे तू है ना साइंस में तो चिपक जाता है, नेटवर्क का बैंड बंद कर देता है। व्योम तूने तेरा वीडियो क्यों ऑफ रखा?
तू एक्सप्लेन कर दे जाते तो पे चल मुझे बहुत है ना वेदांत की कर दे अभी एक्सप्लेन। मैम मेरा चांस आ गया है। हाँ तो ऐसा है तू दिन में एक बार खाता है फिर दूसरी बार खाना नहीं खाता कि मैंने खा लिया करके खाता है कि नहीं खाता दूसरी बार मैम उपवास। चलो बोलो पंचायत करनी हो तो सबसे पहले मैं कर दूं नहीं वो ही करेगा और वो नहीं कर पाया तो ये पूरा पैराग्राफ वो 10 बार लिखेगा। मैम देवांश भी बहुत खुश हो रहा है। तू पहले अपना कैमरा ऑन कर बाद में बोल। चलो मैम अब करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी वी आर वेटिंग फॉर यू। मदर कैमरा ऑन कर। नाना साहब पेशवा ने सात्या तोपे को कमांडर ऑफ द आर मैम एक नाना साहब पेशवा ने सात्या तोपे को कमांडर ऑफ द आर्मी बनाया और कानपुर में मैं कर दूं। देवांश तुम करो उसके बाद व्योम वापस करेगा। ओके मैम व्योम करेगा सही। नाना साहब पेशवा ने तात्या तोपे को कमांडर ऑफ द आर्मी बना दिए थे बाद में बहुत जल्दी वे उनके सबसे ट्रस्टेड कमांडर बन गए। उन्होंने कानपुर को फ्री करने में रोल निभाया था दो साल के लिए उन्होंने सबसे बड़ा रोल निभाया था रिवोल्ट अक्रॉस द कंट्री के लिए कंट्री के लिए। वेरी गुड। चलो मैम उन्होंने जितनी बैटल लड़ी थी उससे उतनी बैटल किसी ने नहीं लड़ी थी। हाँ सही बात। चलो व्योम। नाना साहब पेशवा ने तात्या तोपे को कमांडर ऑफ द आर्मी बनाया कानपुर में फिर वो तात्या तोपे नाना साहब पेशवा का ट्रस्टेड कमांडर बन गए। फिर वो स्किलफुली मैम एक बार माध्यम वापस कर देता है बाद में व्योम करेगा। देखा व्योम इट्स सो डिफिकल्ट ना मैं कर इसी के लिए भी बोलना कितना इजी होता है ना व्योम। मैम मैं करूं नहीं नहीं व्योम करेगा वरना उसको ये 10 बार लिखना पड़ेगा पैराग्राफ। मैम वो स्किलफुली फाइट उन्होंने स्किलफुली फाइट किया कानपुर को फ्री करने के लिए। फिर 2 साल तक उन्होंने क्या किया बाद के 2 साल तक उन्होंने रिवॉल्ट में मेजर रोल निभाया। यानी 2 साल उन्हें पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट किया अक्रॉस द कंट्री। और बहुत सारी उनके टाइम में किसी ने इतने सारे बैटल्स लड़े नहीं। यस चलो बच गया हाँ तू। मैम मैं करूँ नहीं तुम्हें करना है पर उसके बाद वाला पैराग्राफ करना। मैम उसके बाद वाला तो मुझे भी समझ में नहीं आया कौन करेगा उसके प्रीता कैन यू यस मैम। मैम डिफरेंट पार्ट इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बहुत सारे सोल्जर्स रिवॉल्ट के लिए ज्वाइन हुए थे
नॉर्थ इंडिया में बरेली में से बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ और गोरखपुर में से ज्वाइन हुए थे, अजमेर, नज़ीराबाद एंड आबू में से भी हुए थे, और राजपूताना एंड ग्वालियर, मैसूर, इंदौर एंड दर एंड फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट एंड मैनी अदर ऑल्सो, सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नरगढ़, धारवाड़ में से भी बहुत सारे सोल्जर्स ज्वाइन हुए थे, और वो लोग साउथ में भी एक्टिव हो गए थे, और ऐसे बस कुछ सेंटर्स है हर एक जगह पे, कहाँ कहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में बताया इस पैराग्राफ में. क्लियर एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके चलो, अब ये जो पार्ट है गुजरात का पार्ट. ओके, सेवेंथ बटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी ब्रोक रिवॉल्ट इन अहमदाबाद गुजरात इन जून 1857. यहाँ पे गुजरात में हुआ था. सेवेंथ बटालियन, जो ब्रिटिश आर्मी की सेवेंथ बटालियन थी, उन्होंने रिवॉल्ट किया था अहमदाबाद. सून इट हॉल्टेड, यानी रुक गया. दाहोद, झालोद, गोधरा ऑफ पंचमहल, यहाँ पे भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे. सोल्जर्स कुड कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिसेस विद द हेल्प ऑफ नेटिव्स. कैप्चर तो कर लेते थे पर वो लोग जल्दी डिफीट हो जाते थे. अब रेबेलियन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता था? नायक दास ऑफ पंचमहल, उन्होंने एक साल तक ऐसा रेबेल कंटिन्यू किया. फिर थे गड़बड़दास पटेल, आनंद के केरा डिस्ट्रिक्ट में जो आनंद है उसके हेडमैन. ऑलमोस्ट 2000 पीपल वॉलंटियर, उन्होंने कौन सी कम्युनिटी से? नायकाड़ा कम्युनिटी से रिवॉल्ट में ज्वाइन किए. उनको सपोर्ट किया जीवाभाई ठाकुर ऑफ कानपुर, मालजी जोशी एंड कृष्णदास दवे. ये जो सपोर्टर थे गड़बड़दास के, ब्रिटिशों ने उनको कैप्चर कर दिया, जीवा ठाकुर को और मालजी जोशी को. कैनन में तोप के आगे उन्होंने बांध दिया और उनको उड़ा दिया. तो ब्रिटिशर कितने क्रूअल थे, कैनन के आगे उनको बांध दिया और ब्लोन ऑफ उड़ा दिया. गड़बड़दास वॉज एक्सील, यानी भाग गए अहमदाबाद में, जहां पे फिर उनकी डेथ हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एक पार्ट समझा रहे हैं कि जो आनंद डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आनंद है, वहां पे गड़बड़दास पटेल ने रिवॉल्ट शुरू किया था. उन्होंने 2000 वॉलंटियर को इकट्ठा किया था नायकडा कम्युनिटी में से. उनको 2% ने हेल्प किया था, जीवा भाई ठाकुर और मालजी जोशी एंड कृष्णदास दवे. सॉरी, 3% और थे. हाउएवर, ये जो तीनों सपोर्टर थे, ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर दिया, कैनन के साथ बांध दिया और उनको उड़ा दिया. और गड़बड़दास थे वो अहमदाबाद भाग गए. कुछ वक्त के बाद उनकी वहां पे डेथ हो गई. ये एक इंसिडेंट है गुजरात का. दो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ में अलग अलग है. सबसे पहले हमें बताया कि अहमदाबाद में कब शुरू हुआ, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. सेवेंथ बटालियन ब्रिटिश आर्मी अहमदाबाद में उन्होंने रिवॉल्ट किया और ये रिवॉल्ट हुआ जून 1857. पर सून ये रिवॉल्ट हॉल्टेड, यानी कि स्टॉप हो गया, ब्रिटिशर ने कंट्रोल कर दिया. उसी तरह दाहोद, झालोद, गोधरा, हर जगह पे रिवॉल्ट हुआ पर हर जगह पे डिफीट हो गई हमारी रिवॉल्ट. नायकदार जो पंचमहल की कम्युनिटीज है, उन्होंने एक साल तक रिपेल किया. सेकेंड पैराग्राफ में हमें बता रहे गड़बड़दास पटेल के बारे में, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आनंद के हेडमैन थे. उन्होंने 2000 वॉलंटियर ऑफ कोली और नायकडा कम्युनिटीज को इकट्ठा किया था. उन्हें सपोर्ट कर रहे थे जीवाभाई ठाकुर ऑफ कानपुर, मालजी जोशी एंड कृष्णदास दवे. हाउएवर, ये सपोर्टर्स जो थे गड़बड़दास के, ब्रिटिशर ने उनको कैप्चर कर दिया, कैनन के साथ टाई कर दिया और उनको उड़ा दिया. गड़बड़दास एक्सील, यानी भाग गए अहमदाबाद वही टाइम. चलो मैम, आपने मुझे बोला था रुद्राक्ष को, मैंने बोला था. चलो रुद्राक्ष करो. यस मैम. मैम दोनों के दोनों?
एक तुम करो पहले. ओके मैम. मैम जो सेवंथ बटालियन थी ब्रिटिश की, उन्होंने रिवॉल्ट अहमदाबाद में जून जो चल रहा था जून 1857 में उसको स्टॉप कर दिया, और दाहोद जालोर एंड घोरा और पंचमहल गोद्राव में और पंचमहल में जो चल रहा था उसमें ब्रिटिश आर्मी हमारी आर्मी डिफीट हो गई और सोल्जर्स कैप्चर हो गए और जो हाँ और नायक और पंचमहल की जो थी वो ऑलमोस्ट एक साल तक लड़ी. ओके काव्या सेकंड वाला एक्सप्लेन करो गर्भदास पटेल. यस मैम. मैम उसके पहले वाले जो 57 वो लास्ट है ना, द सोल्जर्स कुड कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिसेस विद द हेल्प ऑफ. मैम उसको समझाओ ना वो लाइन. सोल्जर्स क्या करते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कैप्चर तो कर लेते थे आजू बाजू जो नेटिव्स यानी आजू बाजू के लोगों की मदद से, पर ब्रिटिशर उनको डिफीट कर लेते थे. ब्रिटिशर के सामने वो टिक नहीं पाते, डिफीट हो जाते थे. इसमें मैम जो गर्भदास पटेल थे जो हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और मैम उन्होंने ऑलमोस्ट 2000 वॉलंटियर्स ऑफ कोहली एंड नायक नायक मैम वो क्या है कोहली और नायकडा कम्युनिटीज को ज्वाइन किया था रिवॉल्ट करने के लिए, और उनके जो सपोर्ट जिन लोगों ने उनको ज्यादा बहुत सपोर्ट किया उनके जो खास आदमी थे उनमें से यहाँ पे तीन के नाम बताए, जीवाभाई ठाकुर ऑफ खानपुर, मालाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे. उन्होंने गड़बड़दास पटेल का बहुत सपोर्ट किया, पर ब्रिटिशर्स ने इनके गड़बड़दास जी के जो तीन जिसने बहुत गड़बड़दास को बहुत सपोर्ट किया था उनको कैप्चर कर दिया और उनको कैनन के जो बॉल के साथ टाई करके उनको उड़ा दिया, और गड़बड़दास जो जी थे वो अंदमान भाग गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई. ओके चलो अब यहाँ पे दूसरा दो है जो गुजरात में रिवॉल्ट हुआ था, फिर ये रिवॉल्ट की एंड कैसे हुई, रिवॉल्ट का फेलियर कैसे हुआ और इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस ये नेक्स्ट वीक हम लोग खत्म कर लेंगे. क्लियर. गुजरात बोर्ड के बच्चे आप लोग लीव हो सकते हो. बाय मैम. हैव अ गुड डे. बाय मैम. हैव अ नाइस डे. हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस. हैप्पी टीचर्स डे मैम. मैम बाय बाय ग्रेट बाय. आई एम हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस मैम. सगनीक वेट. हां बोलो माधवन तुम कल अच्छे मार्क्स देना. अच्छा मैं पेपर लिख लेती हूं तेरे लिए तो अच्छे मार्क्स आएंगे. हाँ अच्छे मार्क्स लाने तो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो अच्छे मार्क्स देना आप दे देना. जैसे मैं तो बांट रही हूँ ना वो सब्जी बांटते ना वैसे मैं मार्क्स बांट रही हूँ. प्रसाद बांट रहे हो लगे. हाँ जी राइट प्रसाद बांट रही हूँ. मैं एक बात बोल सकता हूँ. हैप्पी टीचर्स डे मैम. थैंक यू. हाँ बोलो मैम. मैं कल मैम एग्जाम तो नहीं दे पाऊंगा मैम. तो कोई बात नहीं वर्कशीट की तरह उसके सॉल्व कर देना. बड़ा अच्छा. अभी दो मिनट. गुड इवनिंग मैम. हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू. अभी कोई भी आवाज नहीं करेगा बाकी के बच्चों को ज्वाइन होने दो. देविक बोलो क्या है मैम. मैम आपने 31st फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को क्या करवाया था. गरबा. मैंने अटेंड नहीं किया था. गरबा किया था हम लोग ने. मैं कौन सा चैप्टर करवाया था वैसे पूछ रहा हूं. हमने चैप्टर्स एक किया था जो कोर्स में नहीं है काफी बच्चों को बुक में नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन कुछ ऐसा था ना. अर्बनाइजेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन कुछ था. और अभी हम वीवर स्मेल्टर्स वीवर्स एंड वो चैप्टर कर रहे हैं अभी हम. हां मैम. आज खत्म हो जाएगा ना. अब मुझे कोई भी बोलेगा नहीं दो मिनट दो.
हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स डे मैम इन एडवांस. अरे मैम ने मना किया बुलाने का. ओके तनिष्का दृष्टि यश पंक्ति नहीं आ रही है ना. मैम हमारा कैमरा तो ऑन है. नहीं नहीं मैं सिर्फ बोल रही हूँ बच्चा है. मीत वीडियो ऑन करो. मैम आज इंग्लिश का लेक्चर है कि नहीं. मैम इंग्लिश के नए मैम मिल गए. नहीं पता. नहीं मैम नहीं पता है. मैम ग्रुप में भी मैसेज नहीं आया कि अब है या नहीं. हाँ, नहीं का मैसेज नहीं आया है मतलब होगा. होगा. अरे वो तो एंड में पता चलेगा. मैम आपको पता है नया मैम कौन से. मैम मैम कल जो मैम एग्जाम में जो मैम सिलेबस है ना मैम इसीलिए जो सिलेबस की वजह से मैं एग्जाम नहीं दे सकता. क्यों. क्योंकि मैम वो सिलेबस है ना मैम मेरा बहुत पहले स्कूल में हो चुका है. मैम एग्जाम भी ले लिया है वो पूरा मैम जो है ना खत्म भी हो गया. अभी मैम मेरा पूरा न्यू कोर्स है मैम अभी जो एग्जाम आने वाली है ना हाफ ईयर लिखी इसीलिए. तो उसमें ये चैप्टर नहीं है. थर्ड चैप्टर नहीं है. नहीं मैम थर्ड चैप्टर क्या मैम ये थर्ड चैप्टर सेकेंड चैप्टर वन चैप्टर किसी का भी नहीं है. हम एक तो चैप्टर है 4-5 सिविक्स का हिस्ट्री का 4-5 और जियोग्राफी का 3-4. कोई बात नहीं. यस चलो रेस्ट. कुछ बच्चे और किसी को कोई डाउट है. नो मैम. नीत मितिन नीत मितिन वीडियो ऑन करो. हम एक टॉपिक समझना था मैम थोड़ा डाउट है. बस बेटा मैम वो है ना जो मैम हमारा चैप्टर था फिफ्थ वाला है ना रिबेल आफ्टर 1857 उसमें मैम है ना जो क्या बोलते दिल्ली मेरठ टू दिल्ली के बाद वाला जो टॉपिक है ना मैम वो समझना था. मैं समझा दूं वो क्या अभी समझा दूं. चलो अभी समझा दूं. उसमें टॉपिक है मैम द कंपनी फाइट्स बैक वाला समझ रेबेलियन स्प्रेड वाला. मैम एक तो मैम द रेबेलियन स्प्रेड वाले में जो मैम था ना डिपोस्टेड नवाब वाजिद अली शाह का सन का जो था फिरजी फादर वो समझ नहीं आया था. और एक मैम टाटिया टोपे कैसे मरा था मैम वो समझ नहीं आया था. ओके यश क्या डाउट है आपको. मैम एक बार मुंड्रो सिस्टम फिर से एक्सप्लेन करो ना. वीडियो देख लो ना. मैम वीडियो देखा उसमें भी समझ नहीं आया मैम. हाँ हाँ मैं तो ऐसे बोल रही हूँ. मैम अपने साथ में मैम देखा. मैम वो डाउट है. मैंने जय ने साथ में देखा कुछ समझ नहीं आया. इसलिए आपने और जय. तो जय तुझे भी समझ में नहीं आया. नहीं मैम एक बार सोचा वीडियो में अच्छे से मैंने दिखाया नहीं. मैंने अच्छे से नहीं दिखाया वीडियो. नहीं मैम वीडियो में अच्छे से नहीं दिखाया. बाकी इधर आप अच्छा समझा. यश जैसे डाउट नहीं पूछ सकते. ओके दोनों को मैं मुंड्रो सिस्टम एक्सप्लेन कर देती हूँ. अच्छा ओके मैंने तो मैम पूरा आंसर लिखा हुआ है मुंड्रो सिस्टम का. अरे रुक भाई तुझे तेरा डाउट समझा रही हूँ. यस नेश्वी
मैम मुझे ये डाउट है कि शाफ्ट माइनिंग और ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है. अच्छा ओके चलो मांजर. डाउट नहीं सिर्फ इतना कहना था कि कल मेरी एसएस की एग्जाम थी. कल स्कूल में संडे को मैम कल थी. हमारी तो स्कूल बहुत पीछे चल रही है बहुत. अभी तो मैम हिस्ट्री का चैप्टर 2 अभी खत्म हुआ है हमारा. मैम बीच में कहाँ बोल रहा है अभी. रुक जा मैम. रुक यश डाउट कर रही हूँ क्लियर. मैम डाउट का नहीं पूछ रहा हूँ मैम. तो मैं अब थोड़े दिनों के बाद आपको भी शायद ट्यूशन आना पड़ेगा. क्यों मैम? क्योंकि ग्रुप में मैं ज्यादातर बच्चों ने ऑफलाइन ही लिखा है. मैंने भी ऑफलाइन लिखा है. मीत ने ऑनलाइन लिखा है बाकी सब ने ऑफलाइन. हां मैम मीत ने ऑनलाइन. शायद से मैम आपको आना पड़ेगा. मैम हम जा रहे हैं मैम तो टीचर्स को आना पड़ेगा. मैम हमारा क्या काम. हम लोग ऑनलाइन पे हैं. हम लोग इधर मैं भी ऑनलाइन ही रहूंगा. हाँ तो मैं जैसे यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही हूँ. मैं भले क्लासेस जाऊँ पर मैं वहाँ से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती. वैसे ही चल रहा है हमारे स्कूल में. कोई बात नहीं तो टेंशन मत लो. आराम करो. कल के एग्जाम का प्रिपेयर करो. तब की बात मैम एग्जाम नहीं देने वाला. क्या रुद्र क्या बोल रहे हो? मैं कल एग्जाम नहीं देने वाला. मुझे मार्सी सुना दिया. मार्सी इलोन मस्क ने रॉकेट तैयार नहीं किया तो मार जाने की बात कर रहे. अच्छा ओके डन. चलो अभी मैं डाउट क्लियर करती हूँ. तुम मार्सी के घर पे सप्लीमेंट्री लेके जाना. उधर से दे देना. आपने कुछ करवाया अभी तक? हाँ पंक्ति बहुत कुछ करवाया. एक चैप्टर हो गया. दो चैप्टर कंप्लीट हो गए. अभी रुको जिसके डाउट है वो चुप रहेंगे. अगर बोला तो मैं किसी के डाउट सॉल्व नहीं करूंगी. मितेन मांजर मीत वीडियो ऑन करो फटाफट. मीत मितेन वीडियो ऑन करा. तुझे क्यों हर बार पर्सनली बोलना पड़ता है मितेन? हाँ घर पे क्या? मैम गेस्ट आया हुआ है और मैम अभी अभी मुझे वायरल ठीक हुआ है. ऐसे बोला अभी अभी वायरल ठीक हुआ है. बेचारा वायरल परेशान हो गया होगा. ठीक है चलो. No, I have yet not started. First, I'm solving the problem of tomorrow exam. Pankti, kal exam de rahi ho? Haan, ma'am. Chalo. Ab main sabse pehle Sagnik ka doubt solve kar rahi hoon. Wo exam mein nahi aa raha hai. Wo Sagnik ke doubt hai. Sagnik ko rebellion spread wala samajhna hai. After the British were routed from Delhi. Theek hai, jab unhone Delhi ko डिफीट दिल्ली में रेबेलियन को स्टॉप किया. एक वीक तक कोई भी नहीं था. इट टुक मच टाइम न्यूज टू ट्रैवल. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट एक रेजिमेंट के बाद दूसरा. सॉरी ब्रिटिश रूटेड फ्रॉम दिल्ली. सॉरी आई मिस. जब दिल्ली में से ब्रिटिश आर्मी को निकाल देने में आया ये न्यूज स्प्रेड हुई और हर एक बहुत सारे ऐसे रीजन्स थी जहां पे रिबेल शुरू हुआ. तो ये जो पैराग्राफ है ना सागनी इसमें ये बताया गया कि दिल्ली के अलावा कौन कौन सी जगह पे रिवॉल्ट हुआ. कानपुर लखनऊ ठीक है. जैसे नाना साहेब द एडॉप्टेड सन. वो एडॉप्टेड सन थे. किसके एडॉप्टेड सन थे? पेशवा बाजीराव. और वो कहाँ पे रहते थे? कानपुर. तो उन्होंने भी ब्रिटिश गैरिसन को सिटी में से निकाल दिया और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. राइट अंडर द लीडर ऑफ बहादुर शाह जफर. फिर लखनऊ में बिरजिस खुदार
जो सन नहीं आया था मैम, जिस कदार वाला, वो किसके सन थे? डिपोज यानी जिन नवाब को निकाल देने में आया था, नवाब वाजिद अली शाह के बच्चे बेटे थे, उन्होंने अपने आप को न्यू नवाब प्रोक्लेम्ड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, राइट, अंडर द बहादुर शाह जफर। उनकी मदर बेगम हसरत महल ने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। फिर झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी रिवॉल्ट ज्वाइन किया। तात्या तोपे जो कमांडर थे नाना साहेब के, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, रानी अवंतीबाई ने किया, ऐसे अलग अलग जगह पे हुआ। अब समझ में आया वो पार्ट? यस मैम। मैम बोल रही थी मैम, रानी अवंतीबाई लोढ़ी थी मैम, इनका क्या रोल था मैम रिबेलियन में? उन्होंने उनके रीजन में रिबेल किया, हर एक रीजन का दिखा रहे हैं, मतलब कि सबका अपने अपने रीजन में है, मतलब किसी का भी ऐसा इम्पोर्टेंट वैसा रोल नहीं है, सबका अपने रीजन में रोल है। ऐसा इम्पोर्टेंट तो है ही ना बेटा, अपने रीजन को भी सिक्योर करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ मैम है ना इम्पोर्टेंट। तो फिर ओके मैम, कमेंट चल अपना देखेगा तो मैम दूसरों का नहीं। तात्या तोपे ने 2 साल पूरे नेशन में किया था, फिर हर एक मदद की, मतलब कि खुद का जिंदा रहे तो वो मदद करेंगे ना, पहले अपने रीजन को संभालेंगे फिर वो ज्वाइंट हो गए ना। चलो किसी को हिस्ट्री में डाउट था ना, किसको डाउट था? मुंडरो सिस्टम समझना था, कौन है मुंडरो सिस्टम वाला? मैम यस सर जय, हम दोनों पता है, मुझे याद है, तो फिर क्यों पूछा? मैम की मर्जी है। मैम जियोग्राफी में तो हमारा बहुत सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है। चलो मुंडरो सिस्टम, ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, यहाँ पे भी वो परमानेंट सेटलमेंट स्ट्रेटजी पॉलिसी नहीं सक्सेस हुई थी, तो उन्होंने न्यू सिस्टम यहाँ पे आई थी, वो न्यू सिस्टम थी रॉटवारी सिस्टम, जो स्मॉल स्केल पे पहले शुरू किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, राइट, जो आगे जाके कंटिन्यू किया था थॉमस मुंडरो साउथ में, और इसीलिए उसको मुंडरो सिस्टम बोला गया था। नाउ व्हाट वाज दिस सिस्टम? रीड और मुंडरो, अलेक्जेंडर रीड और मुंडरो दोनों को लगा कि साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदार्स नहीं है, ये सेटलमेंट डायरेक्टली कल्टीवेटर को, यानी बीच में कोई जमींदार रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो लैंड पे कल्टीवेट करते हैं, जिनको कल्टीवेटर बोला जाता है, जिनको रॉयट्स बोला जाता है, जो लैंड को टील करते हैं, राइट, उन्हीं से टैक्स डायरेक्ट कलेक्ट करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? वो पर्टिकुलर फील्ड को, लैंड को केयरफुली सर्वे करते थे और फिर एक रेवेन्यू फिक्स करते थे। समझ में आया? यस यस मैम। यश को अभी भी समझ में? पेज नंबर एक बार बता दो। मैम महल वाले सिस्टम जैसा ही है मैम, उसमें भी मैम सब सर्वे करके मैम करते थे। हाँ, पर उसमें एक महल रखते हैं बीच में, यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है, कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट ब्रिटिशर और डायरेक्ट पीजेंट कल्टीवेटर्स, यस कल्टीवेटर को रॉयल लैंड ओनर्स, लैंड ओनर भी नहीं, लैंड ओनर यानी जमींदार, डायरेक्ट पीजेंट्स कल्टीवेटर्स जो लैंड को टील करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। मैम जैसे अभी भी नहीं समझ में आया? मैम आ गया मैम समझ, पर वो इतने प्यार से बोले अभी भी समझ में नहीं आया। मैम 2000 के नोट, जय तुम थोड़ा सा उसको वापस समझाओ, फिर थोड़ा सा मैं हेल्प करती हूँ। ओके मैम, मैम मैम यश को मैम बाद में कॉल करके मैम समझा दूंगा, अभी मैम हमारा मैम वीवर वाला चैप्टर करते हैं, उसको वीवर में इंटरेस्ट है, उसको मैं वापस समझाती हूँ। देखो यश, मुंडरो सिस्टम साउथ में हुआ था, कहाँ पे हुआ था मुंडरो सिस्टम? साउथ में, जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वहां पे सक्सेस नहीं हुआ था, तब यहाँ पे मुंडरो सिस्टम शुरू किया था। सबसे पहले शुरू किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रेड, और बाद में थॉमस राव ने उसको आगे डेवलप किया था, इसीलिए उसको मुंडरो सिस्टम बोला गया। इस मुंडरो सिस्टम में कोई भी जमींदार नहीं होता था, डायरेक्ट कल्टीवेटर होता था, रॉयट होता था, इसलिए उसको रॉयटरी सिस्टम भी बोला जाता है, जिसको डायरेक्टली ब्रिटिश को टैक्स पे करना होता है। अब समझ में आया?
अब नहीं आया तो अब इससे ज्यादा मेरे पास मैम आ गया समझ यस ना बोल दे हाँ तो अगर अब उसको समझ में नहीं आया तो वो ये सिस्टम 10 बार लिख लेगा नहीं मैम आ गया है पर क्यों लिख रही थी हाँ अगर उसको नहीं आया होगा ना तो भी वो हाँ बोलेगा क्योंकि 10 बार वो नहीं लिखेगा चलो अब एक मिनट नैश्वी के डाउट थे नैश्वी को मिंडल वाले चैप्टर में डाउट है यस नैश्वी व्हाट वाज योर डाउट मैम शाफ्ट माइनिंग और ड्रिलिंग के बीच में डिफरेंस हू विल एक्सप्लेन इट यस मैम व्हाट इज शाफ्ट माइनिंग क्या करते बेटा बोर्स डीप बोर्स बनाते हैं और इस डीप बोर्स को शाफ्ट बोलते हैं उसके बाद जो मिनरल डिपोजिट होता है ना ठीक है उसमें से जो माइनिंग करते उसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं उसकी एग्जाम्पल है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सॉरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बहुत बिलो होते हैं अर्थ सरफेस पे ठीक है अब ड्रिल करना पड़ता है उसको डीप वेल्स आर बोर्ड उनको निकालने के लिए उसको ड्रिलिंग बोलते हैं मैम एक सिंपल मैम ऐसा होता है मैम कि ड्रिलिंग मैम ओशंस या मैम वाटर बॉडी में ही होती है ज्यादातर मैम ऐसा मतलब कि शाफ्ट माइनिंग बहुत नीचे तक नहीं होती उतनी डीप नहीं होती और वो ड्रिलिंग बहुत डीप में होती है यस राइट मैम मेरे को भी डाउट है पूछो हाँ मैम जियोग्राफी मैम चैप्टर 1 मैम कंजर्विंग रिसोर्सेज वो समझ में नहीं आता चैप्टर नंबर 1 मैम वही एग्जाम में एग्जाम कब है 14 को उसके पहले मैं समझा दूंगी अभी मैं कल के एग्जाम के डाउट क्लियर करूंगी वरना जय रोने लगेगा अब जो अब अगर मैं उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो अच्छा नैश्वी कोई डाउट है कल के एग्जाम का किसी को कोई डाउट है अभी नो मैम ओके डन चल हाँ नाउ वी विल कम टू द व्यूअर कैमरा 2 मिनट के लिए ऑफ रहेगा जय कहाँ से शुरू करना है हमें मैम पेज नंबर मैम 74 के मैम ऊपर से मैम फर्स्ट पेज नहीं 71 में डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल हाँ हो गया मैम आपने जैसे मैम बोला ना कि जय अपना कैमरा चालू कर हम तो उसका ऑन ही था मैम यश ने चालू कर दिया हाँ अच्छा ये वाला बाकी है 72 बाकी है बेटा उसमें कौन सा मैम बाकी है मैम हमारा 74 तक हो गया है मैम 74 में द स्वॉर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान से स्टार्ट करना है एक छोटा सा रिकैप दे सकते हो आप अभी तक पढ़ा है वहां तक अभी नहीं दूंगी मैम पर ये चैप्टर मैं वापस रिपीट करने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ जय को एग्जाम है एग्जाम में है मैम मेरे भी एग्जाम है मैम मेरी जय और दैविक हम तीनों की है मैम मैंने आपको थर्सडे को भी बोला था हम तीनों की है मैम ये देखो दैविक हाफ चैप्टर ओवर है मैं करवाऊंगी पहले पूरा चैप्टर खत्म कर लूँ फिर वापस करूंगी ओके वरना जय ने मुझे अभी मैसेज किया कि मैम अब आप शुरू नहीं करोगे ना तो मैं रोऊंगा मैम मैंने क्या मैसेज किया है मैम जय शुरू करो द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान यस मैम करो वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलरी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799 फॉट 4 वॉर्स विद द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड टीपूस लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शंस इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड बट डू यू नो व्हाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel
called Woods, which was produced all over South India. Wood steel, when made into swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. Okay. अब यहाँ पे शुरू होगा हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री. इसलिए एक एग्जांपल से हमें यहाँ पे समझाया है. वी बिगन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील. यश, रुद्र, देविक ने तो मुझे पूछा था, इसलिए उसका रेज हैंड है. आप दोनों ने अब कब तक रीडिंग के लिए ना दोनों खड़े हो? नहीं मैम, मैं तो लोअर करना ही भूल गया था. झूठे. नहीं मैम, जय को पिछले लेक्चर में भी मिला था मैम, मुझे नहीं मिला. जय को तो मिलेगा ही मैम, मुझे भी मिलेगा. हाँ तुझे भी मिलेगा. अभी सुन लो पहले, ये इंडियन स्टील और आयरन मेटल की जब हम स्टोरी शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे टीपू सुल्तान की. देखो यहाँ पे आपको फिगर 11 दिखाया गया है. टीपू स्वॉर्ड ये जो था वो लेट 18 सेंचुरी में बनाया गया था. ये स्वॉर्ड में गोल्ड से लिखा गया है, स्टील हैंडल है उसका, ठीक है. और उनकी जो होली बुक है कुरान, उसके मैसेजेस इस पे लिखे गए हैं. ओके, और यहाँ पे देखना एक नीचे स्वॉर्ड में एक टाइगर का फेस जैसा भी ड्रॉ किया गया है, दिख रहा है आपको? हमें वो टाइगर ऑफ मैसूर था ना, इसीलिए. राइट, अब देखो क्या क्या यूनिक है, क्या पिक्यूलैरिटी है ये स्वॉर्ड का. इसकी आंख भाई, ये जिस मेटल स्टील से बना हुआ है इसलिए ये इतना फेमस है. उसकी आंख फेमस नहीं है मैम. ये गोल्ड से बना हुआ इसीलिए. मितेन क्या हुआ? मितेन मुझे एग्जाम देनी है. क्यों, तू कुछ स्पेशल बच्चा है कि कल तू एग्जाम नहीं देगा? इसलिए मैम हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों में थी थर्ड चैप्टर. हाँ तुझे क्यों नहीं देनी एग्जाम? मैम जी पूछ रहा है. हाँ तू कोई भी स्पेशल चाइल्ड नहीं है, तेको कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है. हाँ मैम पता है मैम. तो फिर वायरल अभी चला गया ना, भाग गया ना तेरे साथ रह के. हाँ मैम. हाँ तो बस कल एग्जाम दे देना. टीपू हमने पढ़ा था आगे के चैप्टर में कि ही वाज रूलर ऑफ द मैसूर टिल 1799. इन विच बैटल ही लॉस्ट, व्हाट वाज दैट बैटल? विच मैम रिपीट कर. टीपू बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर? नहीं मैम उसमें तो कोई और था. इट वाज इट्स कैपिटल सेरिंगापट्टनम. वेरी गुड, सेरिंगापट्टनम. That was the fourth battle of Mysore war, जिसमें Seringapatnam, battle of Seringapatnam, which Tipu lost 1799. उसने बच्चों को kidnap कर किया था. Yes, right. Fought four wars. उसके बच्चे को चारों war में उन्होंने यही sword use की, यही तलवार. ये उनकी legendary sword है. अब आज आज ये sword India में नहीं है, वो England के museum में है. ठीक है. मैम India की property नहीं हुई है. पर ब्रिटिशर्स थे ना तभी. हाँ ब्रिटिशर्स अपने साथ उठा के ले गए. कोई चीज यहाँ पे छोड़ के गए हो? कौन सी दो चीज? पब्लिक को छोड़ के गए. सॉरी और थैंक यू. बाकी सारी चीज उठा के लेके गए. मुझे बहुत इजीली हम सॉरी बोलते हैं. सॉरी मैम भूल गए, सॉरी मैम हम भूल गए, सॉरी मैम याद नहीं रहा. तो ब्रिटिशर ने वर्ड सॉरी और थैंक यू यहाँ छोड़ के खुद चले गए सारी चीज उठा. वरना मैम सॉरी और थैंक यू नहीं बोला, वो छोड़ के नहीं गए थे ना, तो ऐसा बोल दे माफी मैम हम वो भूल गए होंगे. तनिष्का तू बहुत सीरियसली क्यों बैठी है आज? मैम सीरियसली बोलती है, हंसने लग गई. उसकी बहन ने कुछ किया होगा. ओके, अब व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस लेजेंडरी स्वॉर्ड? The quality of sword, जो quality थी ना वो एक type के high carbon steel से बनी थी. और ये high carbon steel जो था उसको woods बोला जाता था, जो सिर्फ South India में produce होता था. ये जो wood steel था, ये sword जब बनाया था तो उसकी जो edge यानी के तलवार की जो नोक होती है, right? ये तलवार है तो उसकी नोक, उसको edge बोलते हैं.
इस एज में जो पैटर्न थी वो वाटर पैटर्न थी. कैसी पैटर्न थी? वाटर पैटर्न थी. और इस वाटर पैटर्न में छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल एम्बेड यानी जड़े गए थे इन द आयरन. क्यों ऐसा किया था? सिर्फ वो तलवार ऐसे गर्दन पे रखता था ना और गर्दन कट जाती थी. फिसलती थी, इतना फिसलती थी क्या तलवार गर्दन पे रखे कट कैसे जाएगा? थोड़ा फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना? नहीं लगाना पड़ता था ना, थोड़ा भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता था. वो वाटरी शेप की होती थी और वाटरी शेप यानी कर्व कर्व जैसे होता था. नहीं उस वक्त मराठा जो तलवार यूज करते थे ना वो वाली तलवार यूज करते थे, फ्लेक्सिबल वन. जो मैम थोड़ी देर में चलाते हैं तो ऑटोमेटिक मैम लंबी हो जाती है, मैम फ्लेक्सिबल हो जाती है. ये जो तलवार थी ना उसकी आगे की पूरी एज थी, उसमें कर्व कर्व जैसा होता था. हर एक कर्व में क्या उन्होंने जड़ा हुआ था? कार्बन क्रिस्टल. ये कार्बन क्रिस्टल बहुत ही शार्प होता था. थोड़ा सा भी पूरा फोर्स लगाएगा तभी कटेगा ना इधर से. बेटा ये कार्बन क्रिस्टल थोड़ा सा भी लग जाता था ना पर्सन के गर्दन पे और उसकी टेक्निक थोड़ा तो फोर्स लगाएगा ना, सिर्फ ऐसे प्रेम से जाके थोड़ी ना वो रखेगा गर्दन पे. वो जब लड़ रहा है तो वो फोर्सफुली लड़ेगा ना, प्यार से थोड़ी रखेगा गर्दन में. मैं वो अभी वुड स्टील साउथ इंडिया में नहीं होता है प्रोड्यूस, नहीं बनता है. वही तो अब स्टोरी पढ़ेंगे ना हम. रुको बहुत जल्दी है. नहीं मैं हाँ खबर करो. तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा है ना, दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप. जय देविक और यश, ये लास्ट जो तीनों लाइन है ना, अगर आपको टू मार्कर में क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, तो आपको ये आंसर लिखें. मैम इस पैराग्राफ में कोई पॉइंट हमें अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट? हाँ मैं वही तो बता रही हूँ. द क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स which was produced all over in South India. Wood steel when made into swords produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystal embedded in the iron. This was the speciality of the sword of Tipu Sultan. Chalo Jai, continue to another paragraph. Yes ma'am. Ma'am, mera chance. अरे यस चैप्टर खत्म हो गया, मैं भाग गई, लेक्चर खत्म हो गया. मैम वो बोलेगा हाँ. यस तू कौन से ब्रांच में? मैं आपके मेरे ब्रांच में है ना. ऑफलाइन हाँ. मिलेगा ना? हाँ मैम. अपने गाल संभाल के हाँ. मैं मास्क पहन के आऊंगा. मास्क यहाँ पे भी पहनेगा पूरा ऐसे? मास्क इतना तो गाल ढके जाएंगे ना. अच्छा मास्क निकाल के हाय हाय तू कार्यक्रम में आएगा, ऑफलाइन आएगा, सामने सामने डाउट पूछेगा. थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होगा क्लास में. तुम सोचो मैम कुछ ही बच्चे होंगे मैम नारायणपुरा के. कौन कौन कुछ ही बच्चों है? मैम मीत के अलावा सारे बोलते उसको, उसको कुछ नहीं ज्यादा बोलते. मैं नारायणपुरा से नहीं हूँ पता है साथ में. तुम घुमा घुमा में हो ना? नहीं मैम चांदखेड़ा. अच्छा चांदखेड़ा, कोई बात नहीं. शौर्य तू आज तेरे घर पे है? क्यों देवम ने मना किया मेरे घर के नो मैम आज उसका नेट था. देवम को नहीं मैं सैटरडे ना इसलिए उसके स्कूल में रजा होगी इसलिए नेट बज गया होगा. स्कूल में छुट्टी होती है. मंडे को कौन सी एग्जाम है स्कूल में बेटा? साइंस मैम. ओके ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. ओके ओके मैम थैंक यू मैम. मेरी वाइवा भी चल रही है अभी और अभी आपकी बाकी है बस. चलो जय कंटिन्यू. की बाकी है जय? हां मैम स्टार्ट करो बेटा. हां मैम. फ्रैंकिस बखानन हु टोल्ड थ्रू मैसूर इन 1800 अ ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान्स डेथ हैज लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ टेक्निक बाय व्हिच वॉट स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर. In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots. Through an integrated control of temperatures, the smelters produced steel ingots that were used for sword making,
not just in India but in West and Central Asia too. What is an anglicized version of Kannada word Yuku, Telugu Kuku and Tamil and Malayalam Yuruku meaning steam? Uruku. अब यहाँ पे हमें बताया है कि किस तरह से इसकी हमें टेक्निक की इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है? देखो अब यहाँ पे एक पर्सन है फ्रेंचिस जो मैसूर गया था 1800 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई उसके एक साल के बाद, और उसने उसकी अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट, उसकी अकाउंट यानी उसका खाता, उसका बच्चा यहाँ पे अकाउंट यानी खाता नहीं, उसका सर्विस और वो सब वो जो टीपू सुल्तान संभालता था ना, नहीं यू आर लिटिल बिट नियर बाय, जो भी बाहर की कंट्री से ट्रैवलर्स आते हैं और वो उस पीरियड में उस किंगडम में रहते हैं और उनके बुक में जो लिखते हैं उस बुक को दो नाम होता है, ट्रैवलॉजी और अकाउंट। ओके, हमने पढ़ा था ना सेवेंथ और सिक्स्थ में। ओके, तो यहाँ पे उसकी अकाउंट यानी उसकी बुक में उसने टेक्निक बताई थी कि किस तरह से ये स्टील बनाया जाता है, और वो स्टील का जो प्रोसेस होता है वो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, स्मेल्टिंग फर्नेस एक टाइप का स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल ऑब्टेन रॉक में से मेटल को ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग इट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और बाय मेल्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज दिस मेटल फॉर समथिंग न्यू, इसलिए उसको स्मेल्टिंग बोला जाता है। ये प्रोसेस होता है जिसमें रॉक में से मेटल ऑब्टेन किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में, या तो ऑब्जेक्ट को मेल्ट किया जाता है तो उस मेटल को एक नए फॉर्म में यूज करने के, और इसका एक बड़ा फर्नेस होता है, उस फर्नेस में ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो ये स्मेल्टिंग फर्नेस था जो मैसूर में था, ये फर्नेस में आयरन को मिक्स किया जाता है चारकोल के साथ, छोटे छोटे क्ले पॉट में उसको रखा जाता है थ्रू एन इंटीग्रेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान रख के ये प्रोसेस किया जाता है। ये स्टील इंगोट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? हाँ मैम, इसमें आपने बताया जिस आइटम जिस सारे आइटम्स को वो स्मेल्ट करके ये मैम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, हाँ वो एटम्स नहीं होते, एटम्स नहीं मैम, आइटम्स आइटम्स, हाँ उसके में उसे में वो स्मेल्ट करके इस स्वॉर्ड को बनाया जाता है, जब उसके वुड स्टील को बनाया जाता है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो अभी भी अवेलेबल है, तो अभी क्यों नहीं बन सकती है? पर अभी ये स्मेल्टिंग प्रोसेस से नहीं बनती, अभी मशीन से बनती है बेटा। मैम पर बनती तो है ना, बनती है ना, तो मैम अभी मैंने उससे पहले बोला था तभी आपने ना बोला था, मैंने ये टेक्निक के लिए शायद से मैंने आई वुड हैव मिसहर्ड, पर एक्चुअली स्टील तो होता है पर और ये वुड स्टील जो था ना वो फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर के बाद कम हो गया था, तो अभी भी उसकी डिमांड कम है क्योंकि इसके कंपटीशन में दूसरी स्टील्स आ गई है, समझ में आ रहा है? मैं मतलब उससे भी खतरनाक आ गया है सारा। हाँ तुम नहीं हो सबसे खतरनाक। मैं स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। चलो अब जो है वो छोटे छोटे स्टील इग्नोट्स बनाए जाते हैं जो स्वॉर्ड बनाने के काम में आता है, वुड्स ये अलग अलग नाम होते हैं और ये इस स्टील का जैसे कन्नड़ में इसको उकू बोला जाता है, तेलुगु में उसको हुकू बोला जाता है, तमिल और मलयालम में इसको उरुकू बोला जाता है, पर सभी का मतलब होता है स्टील। क्लियर? जय कंटिन्यू। यस मैम। इंडियन व्हाट स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फाराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ electricity and electromagnetism spent 4 years studying the properties of Indian woods from 1818 to 1822. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th century. Can you guess why this was so?
The swords and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by the craftsman people in India. Okay. अब ये जो इंडिया की आयरन वुड स्टील थी ना, उससे एक साइंटिस्ट भी बहुत ही फैसिनेट हुआ था, ठीक है, और उसने इस पे बहुत ही डिटेल स्टडी किया था. हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. 4 years ही हैड स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील. और ये साउथ इंडिया में वाइडली नोन था. द स्वॉर्ड एंड आर्मर इंडस्ट्री ट्रेडिशनल जो थी वो ब्रिटिश के आने के बाद फिनिश हो गई. क्यों? क्योंकि फिर ब्रिटिश ने आयरन और स्टील इंग्लैंड से मंगवाना शुरू किया, जिससे जो इंडियन क्राफ्ट पीपल थे जो ऐसे ट्रेडिशनल वे बनाते थे उसकी डिमांड कम हो गई. क्लियर? अब जो ये इंडियन विलेजेस में स्मेल्टिंग प्रोसेस होती थी, वो विलेजेस के जो स्मेल्टर्स थी उनकी हालत कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यश? हाँ मैम. चलो, एबेंडन्ड फर्नेस इन विलेजेस. साइंटिस्ट नाम क्या था? क्या साइंटिस्ट का नाम दिया है ना पेज नंबर? माइकल. एक मिनट, उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मैम? फिलहाल तो नहीं है. क्यों फिलहाल नहीं है मैम? वो क्या बोलते हैं मैम, वो स्कूल में दिए मैम, वो चेक करवाने के लिए. क्या 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 मैम? स्कूल में दिए चेक करवाने के लिए. मैं टेक्स्ट बुक? हाँ मैम, जो पीछे की एक्सरसाइज होती है मैम, वो हमारे यहाँ पे चेक करते हैं. अच्छा, ओके, कोई बात. मैम कौन सा पेज पे लिखा है वो साइंटिस्ट का नाम? तो तेरे पास तो टेक्स्ट बुक है, जय रीड कर रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कैसा हो गया था? नहीं मैम, था मैम. मैम पर 74 पे तो लिखा ही नहीं है कुछ ऐसा. 75 पे पेज है. नीला जी. हां माइकल फैराडे. हां चलो, अब उसके बाद वाला पैराग्राफ है अबर्डन फर्नेस इन विलेजेस. मैम मेरे को नहीं मिला. अरे सेकंड लाइन पे, अरे वो जो इंडियन पूरा पटेल घाटलोरिया, वो इंडियन मैम 75 पेज नंबर फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन फर्स्ट सेकंड वर्ड्स. मैम ओल्ड एडिशन है बेटा, ओल्ड एडिशन में आप ढूंढ लो. मैं करूं रीड? हां. अबंडेंट फर्नेस इन विलेजेस. Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron, but iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. In Bihar and central India in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use. The furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. The most often built, the smelting was done by men while women worked the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. बस रुक, देखो दूंगी चांस, रुक. अब जो वुड स्टील का प्रोडक्शन था वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक थी, और आयरन को रिफाइन करना था. व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग आयरन? हु विल टेल मी? मैम उससे वो क्लीन करना. वो पहले चोखा बोलने जा रहा था, उसको चोखा करना है ना. ओके, उसको रिफाइन करना था. बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया 19th सेंचुरी तक कॉमन था. ये कॉमन टेक्निक थी. बिहार में, सेंट्रल इंडिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स होते थे. लोकल डिपोज ऑफ ओर होता था. ओर यानी कि कच्चा रॉ ऑफ आयरन, राइट? ओर इज अ रॉ आयरन जो आयरन प्रोड्यूस करते थे और वाइडली मैन्युफैक्चर को वो देते थे. उनके पास टूल्स होते थे डेली यूज के लिए. फर्नर्स जो था वो क्ले का बनाया हुआ था और सन ड्राइड ब्रिक्स का बनाया हुआ था. स्मेल्टिंग मैन करते थे जबकि वुमेन बिलोज करती थी, यानी वो क्ले के पॉट के नीचे से ना चाकोल को कंटिन्यूअस जलाते रखने के लिए दे हैव वन टाइप और फूक मार मार के उसको चालू रखते थे. आपने चूल्हा देखा है, ट्रेडिशनल चूल्हा नहीं होता पहले, और वो चूल्हे में फूक फूक मार के ऐसे चूल्हा को कंटिन्यू चालू रखना, बस ऐसा ही होता है.
मैम दंगल पिक्चर में दिखाया भी है। अब कुछ भी चीज मूवी से कैसे रिलेट कर दे, तो आज मैं 2:30 से बच्चों को जो भी चीज पढ़ाता ना, कोई ना कोई बच्चा तो मैम ये मूवी में ऐसा देखा था, ये मूवी में वैसा देखा था। आपको ना एक कोर्स में एक और एक एक्स्ट्रा पेपर होना चाहिए बॉलीवुड, उसमें फुल मार्क्स आएंगे सभी मैम टॉप करेंगे उसमें। तो अभी एक टाइप का डिवाइस है जो चाकोल को उस क्ले पॉट के नीचे चाकोल को बर्न करने के लिए रेडी करते हैं। तनिष का क्या हो गया बेटा? ओके यश तेरे को पढ़ना है? हाँ मैम बहुत सारा पढ़ना है। नहीं बहुत सारा तो नहीं मिलेगा। अब देखो फिगर 13 दिख रहा है, पहले उसके नीचे वाला पढ़ो। हाँ मैम। अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर द अगारियास और कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स लिव। सम कम्युनिटीज लाइक अगारियास स्पेशलाइज इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। इन द लेट 19th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ फेमाइंस डिवेस्टेड द ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। इन सेंट्रल इंडिया many of the agaria iron smelters stopped work, deserted their villages and migrated looking for some other work to survive the hard time. A large number of them never worked their furnaces again. Acha abhi yahan pe hame bataya hai central india, to mostly jo central india mein jo iron smelter ka kaam karti thi wo kaun si community thi? Agarias। ठीक है, तो ये आपको वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ये फिगर 13 का है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए टिक कर दो। विच कम्युनिटी वाज स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग इन सेंट्रल इंडिया? आंसर इज अगारियास। मैम कंटिन्यू करो। लेट 18th सेंचुरी में इनकी ये डिमांड नहीं रही, उन्हें विलेज छोड़ना पड़ा, कुछ और काम के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। क्लियर यहां तक सबको? चलो देवी कुछ डाउट है बेटा? यश कंटिन्यू। हाँ मैम। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। एक मिनट देवी, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। मैम आ रही है उसकी आवाज? आ रही है उसकी आवाज, मुझे तो नहीं आ रही है। मैम मेरे को भी नहीं आ रही। मैम बोल ही नहीं रहा। मैम मैम आ रही है वो। मैम बोल रहा है। मैम आ रही है। मैम अगर आप सब चुप हो तो ही वो बोलेगा ना। मैम हाँ बोलो देवी। हाँ मैम मुझे जो abandoned furnaces in villages था ना मैम, वो एक बार रिपीट करो ना। क्यों उसकी नेट में इश्यू? क्या मैम नेट में इश्यू है बेटा तुम्हारा? हाँ मैम वो नेट इश्यू था ना तो मैं लीव हो गया। हाँ कोई बात नहीं, abandoned furnaces in village यश एक्सप्लेन करूँगा। करो यश। हाँ प्रोडक्शन ऑफ वुड पढ़ना नहीं एक्सप्लेन करना। हाँ मैं पढ़ के कर। वुड स्टील का प्रोडक्शन वो बहुत हाई, वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड था वो आयरन रिफाइनिंग की टेक्निक से, पर आयरन स्मेल्टिंग इंडिया में बहुत कॉमन हुआ करता था 19th सेंचुरी के एंड में। वो सब जगह आयरन स्मेल्ट हुआ करता था और बिहार और सेंट्रल इंडिया पर्टिकुलर उसके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही आयरन स्मेल्ट हुआ करता था। लोकल डिपोजिट थी वहां पे आयरन ओर की और वहां पे आयरन भी बहुत ज्यादा बनाते थे, वो वहां मैन्युफैक्चर के लिए फेमस था। फिर फर्नेस था उनके पास, वो फर्नेस कैसा था? और वो क्ले और सन ड्राइड ब्रिक से बना हुआ था। और स्मेल्टिंग का काम कौन करता था? स्मेल्टिंग का काम मैन करते थे और वुमेन वो बेलोस में हवा पंप करते थे, वो जो उसमें बेलोस बेलोस बेलो ये डिवाइस है जो पंप एयर करता था। हाँ,
वो बेलोज यूज करके पंप, वो उसमें चूल्हे में एयर पंप करते थे, अगर वो एयर पंप ऐसे नहीं करेंगे ना तो वो आग बहुत जल्दी बुझ जाएगी, इसीलिए वो बेलोज लेके उसमें हवा पंप। कीप द चारकोल बर्निंग, टू कीप द चारकोल बर्निंग द वुमन यूज द डिवाइस नोन एज बेलो। ओके डेविड, क्लियर? और यू वांट मी अगेन टू एक्सप्लेन इट? मैम फिर से कर दो ना आप। ओके क्या यश मैम, बराबर मैम रेपिटेशन नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे ये बोले कि जो विलेज के फर्नेसेस थे वो अबंडेंट यानी छोड़ देने में कैसे आए, तो सबसे पहले हमें ये समझाया है कि वुड स्टील था, मुझे वुड स्टील अगर रिक्वायर करना है तो मुझे पहले आयरन को रिफाइन करना पड़ेगा। आयरन को रिफाइन करने के लिए आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज की जाती थी और वो काफी कॉमन था बाय एंड ऑफ द लेट 19th सेंचुरी में। जैसे कि बिहार और सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात ले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स पाए जाते थे और उनके पास लोकल डिपॉजिट था, यानी उनके लोकल एरिया में ही आयरन ओर उनको इजीली मिलता था और फिर उसी का वो मैन्युफैक्चर करते थे और स्टील बनाते थे। स्टील बनाने के लिए उनके पास जो फर्नेस था वो क्ले और सन ड्राई ब्रिक से बना हुआ होता था। स्मेल्टिंग का जो काम था वो यूजुअली मैन करते थे और वुमेन जो थी वो चारकोल को बर्न करने के लिए बेलोज यूज करती थी। क्लियर? ओके चलो यश अब आगे का पार्ट तुम करो। हाँ मैम, वन रीजन वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4 व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग the reserved forests, how could the iron smelters find wood for charcoal? Where could they get iron ore? Defying forest laws, they often entered the forests secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on the basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. Okay, ab tera turn khatam ma. अब दूसरे को टर्न मैम। हाँ तो मैम मैं रीड करूँ, दैविक इन से लेके इनकम तक पढ़ेगा और फिर मोर ओवर से बाकी का मैं पढ़ लूंगा, ऐसा? मतलब दैविक एक पैराग्राफ उठेगा बाकी का मैं पढ़ूंगा, ऐसा 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 नहीं मैम। ओके अब बाय द लेट 19th सेंचुरी क्राफ्ट्स ऑफ आयरन स्मेल्टिंग डिक्लाइन हो गया था, यानी कम हो गया था, बहुत सारे विलेज के फर्नेस थे वो यूज में नहीं आ रहे थे, अमाउंट ऑफ आयरन जो था वो कम हो गया था। रीजन क्या थे? अब यहाँ पे हमें रीजन बताया, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया जाए व्हाई देयर वाज द डिक्लाइन ऑफ द आयरन स्मेल्टिंग, तो यहाँ से रीजन शुरू होते हैं। वन रीजन, न्यू फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ हमने ट्राइबल में पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर केम विद द न्यू फॉरेस्ट के कोई भी फॉरेस्ट में आ नहीं सकता है, तो ये जो आयरन लोकल डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर था वो उनको फॉरेस्ट में मिलता था, तो अब वो ऐसे तो आयरन ओर कलेक्ट करने जा नहीं पा रहे थे। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लोगों को मना कर दिया कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, तो आयरन स्मेल्टर्स वुड नहीं चुन पा रहे थे, ठीक है, चाकोल के लिए और आयरन ओर नहीं, दोनों चीज जो उनको फॉरेस्ट से मिल रही थी अब वो मिल नहीं रही है, वुड एंड आयरन ओर। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ दे ऑफन एंडेड, कई बार उन्होंने वो रूल्स तोड़ भी दिया है, वो सीक्रेटली चले भी गए हैं, वुड कलेक्ट भी कर दिया है, पर इट वॉज एन ईजी फॉर देम कि ये ऑक्यूपेशन वो लंबे समय तक चला पाए, सस्टेन कर पाए। काफी ने ये काम छोड़ दिया और दूसरी लाइवलीहुड ऑप्शन के लिए चले गए। In some area, government did grant access to forests. कुछ एरिया में गवर्नमेंट ने परमिशन भी दिया, बट आयरन स्मेल्टर थे उन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ता था। उन्हें क्या पे करना पड़ता था? हाई टैक्स। किसको? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है, जिससे उनकी इनकम रिड्यूस हो गई। By late 19th century, iron and steel Britain import होता था, iron smith in India using the imported iron to manufacture utensils and implement, जिससे demand of iron by जो local smelters से जो iron बनता था, by 19th century iron Britain से India आता था, इस iron से उन्हें सारी चीजें बनानी होती थी, तो जो local iron smelters थे उनका iron demand में नहीं था। By early 20th century artisans produce iron and steel, वो नई कंपटीशन फेस करनी पड़ी और वो थी ब्रिटेन की आयरन। ओके
क्लियर टिल नाउ मेरा डाउट था। हाँ हाँ बोलो मैम। आयरन मैम आयरन स्मेल्टर्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टैक्स क्यों भरने का मैम? रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया था हमने ट्राइबल वाले चैप्टर में। क्या पढ़ा था कि अगर उनको फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट में आना है, फॉरेस्ट की चीजें अगर उन्हें यूज करनी है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। सी गवर्नमेंट ब्रिटिश ऑलवेज वांटेड मोर इनकम एंड दैट वाज थ्रू टैक्स। मैम हर कोई राजा और सब कुछ मैम टैक्स ही क्यों लेना होता था? कोई और तरीका नहीं था मैम कमाने का टैक्स के अलावा? तो फिर गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स लेती है? उनके पास और कोई तरीका नहीं है? टैक्स क्यों लिया जाता है? चलो उस वक्त ब्रिटिशों की बात नहीं करते, उस वक्त राजा भी टैक्स क्यों लेते थे? वो टैक्स के पैसे से क्या करते थे? मैम वो अपने राज्य की चीजों को चलाते थे और डेवलप्ड करते थे। ब्रिटिश हमारे पास, अरे सॉरी, हमारी गवर्नमेंट हमारे पास से टैक्स लेके क्या करती है? वेलफेयर फॉर द पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, रोड्स बनाना। समझ में आया? चॉकलेट के ऊपर भी 5 रुपए का टैक्स लेते हैं। इसमें टैक्स लेते हैं सागनिक ने बोला मैम। चॉकलेट में 5 रुपए की चॉकलेट भी, उसमें मैम टैक्स तो लेते ही है ना? हाँ हाँ सब पे टैक्स लेते हैं। मैम आजकल कोई काम फ्री में नहीं होता। आज क्या? मैम आजकल कोई काम फ्री में नहीं होता। पानी भी पीने के लिए मैम 10 रुपए से पाउच खारी खरीदना पड़ता है। हाँ मैम बंद हो गया मैम पाउच तो? कब का बंद हो गया? अरे बैलेंस मैम सागने कहाँ से पीता हूँ। ओके चलो यहाँ पे खत्म। अब देवी आपको ये पढ़ना है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री स्कीमा पे नहीं लिया। अब हमने आगे इसमें पढ़ा कि हमारे जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे जो आयरन प्रोड्यूस करते थे उसकी डिमांड खत्म हो गई क्योंकि इंग्लैंड से आयरन आने लगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया में आयरन और स्टील की फैक्ट्री किसको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेगम जिनक महल। देवी पेज नंबर 77। यस मैम। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, was traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. But this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. One day, after traveling for many hours in the forest, Weld and Dorabji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. These people were the Agarias. When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through dense forest. On exploring the hill, the geologist declared that they had at last found what they had been looking for. Rajhara Hills had one of the finest ores in the world. But there was a problem. The region was dry and water necessary for running the factory was not to be found nearby. The Tatas had to continue the search for a more suitable place to set up their factory. However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bilai steel plant. Okay, but Bilai steel plant. Okay, itna main explain kar leti hu. Okay. Ab ye baat ho rahi hai 1904 April ki, jab American geologist and the eldest son of Jamshedji Tata, Dorabji Tata, they were traveling to the Chhattisgarh in the search of iron ore deposit. Unko pata tha ki iron ore deposit hai.
काफी मंथ उन्हें ये लगा ढूंढने के लिए, सर्वे किया। जमशेदजी टाटा ने डिसाइड किया था कि वो एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करेंगे, ठीक है, बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज अ फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। सो वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग काफी आवर्स के लिए फॉरेस्ट में, उन्होंने छोटे विलेज पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन अपने सिर पे बास्केट लोड्स लेके जा रहे हैं जिसमें आयरन ओर था। ये पीपल जो थे वो अगारिस थे और उनको पूछा गया कि ये आयरन ओर आप कहाँ से लेकर आए, तो उन्होंने एक डिस्टेंस जगह पे एक हिल, दूर एक प्लेस पे हिल बताई। वो लोग दोनों वहां पे गए, एक्सप्लोर किया और उन्हें पता भी चला कि यहाँ पे फाइनेस्ट मिल रहा है और वो जगह थी वो राजहरा हिल्स। पर अब प्रॉब्लम थी कि उसके नजदीक कहीं पे भी पानी रिजर्वर वाटर रिजर्वर नहीं। इट वॉज अ ट्रैप टू रन एनी फैक्ट्री, दे नीड अ वाटर, राइट, ये पानी की जरूरत होती है। सो टाटा को सूटे प्लेस फैक्ट्री के लिए ढूंढना पड़ा जिसमें ये मैम आपका वीडियो भी स्टक हो गया, वीडियो भी पॉज हो गया है, एक मिनट और हम नेट एक्सचेंज करेंगे। जय, तेरा माइक म्यूट था। आप म्यूट हो और ऐसे यश यश लाल यश खुश मत हो, तू होस्ट बन गया, मुझे होस्ट बना दे। मैम आपको बनाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं है। यश हाँ मैम, मुझे होस्ट बना दे। हाँ मैम। क्या हाँ मैम कर रहे हैं? मैम आप अटेंड लिस्ट में आई नहीं रहे हो। हाँ मैम आ गए आ गए। मजाक कर रहा है। मैम बना दिया। थैंक यू, मेरा वाईफाई खत्म हो गया था इसमें। हमें वाईफाई का यही झंझट है, खत्म हो जाता है। सच अनलिमिटेड डाटा रुका लो। मैम आपका वीडियो जब स्टॉप हुआ था मैम ऐसा क्या वीडियो स्टॉप हो गया था? तो मैम आप ऐसे देख, मैम पूरा फेस मैम स्माइल वाला था मैम और आंखें ऐसी थी। हां मैम ऐसे आंखें और ऐसे ऐसी ऐसे हो गई थी पूरा आपका मैम चेहरा। ओके चलो अभी टाइम भी खत्म हो गया है। पता नहीं, थोड़े स्ट्रिक्ट है दिखने में। तुझे कैसे पता? अरे उस दिन ज्वाइन हुआ था तो दिखे थे उस दिन। कभी दिन अरे भाई उस दिन जब ज्वाइन होते तब